राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे। भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो, राम राज हो, राम राज विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओ
ज्ञातिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां वा देवानागुसख्यमुपसेदि मा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेख च तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रेणु तन्धृष्ट्या ध्रुवं तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिन्धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामरवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजग्राह। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। गंगा मैया की जय। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। आइए भक्तजनों, एक बार पुनः हम आप सभी की ओर से और अपनी ओर से भी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथाव्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सजनों, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हम पिछले 6 दिवसों से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित प्रभु के इस पावन पुनीत कथा को सुन रहे हैं, इसका लाभ उठा पा रहे हैं। और आज इस कथा की अंतिम अस्थाई का है, अंतिम दिवस। इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके द्वारा इतने भव्य इतने विशाल कथा का आयोजन यहां संभव हो पाया है, सजनों ये संस्थान कोई साधारण संस्थान नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये कोई कॉन्क्रीट मैंशन नहीं है, ईंट पत्थरों और गारे से बने हुए किसी भवन या आश्रम का नाम भी नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कोई थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट या एथिकल फिलॉसफी भी नहीं है। जानते हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का एक डिवाइनिस्ट विजन है, एक दिव्य अति दिव्य संकल्प। कैसा संकल्प? इस संकल्प की झलक आप संस्थान के लोगों में भी बड़ी ही आसानी से सहजता से देख सकते हैं। आपने कभी संस्थान के एम्बलम को, लोगों को बड़े ध्यान से देखा हो तो आप जानते होंगे कि इसमें 2 नेत्र दिखाए गए हैं और इन नेत्रों के बीच में एक ज्योति जल रही है जो पूरी तरह से जाज्वल्यमान है। उसके पीछे एक शंख दिखाया गया है और उसके पीछे संपूर्ण विश्व का चित्र है जो पूरी तरह से अलौकिक है, पूरी तरह से प्रकाशित है। सचनो ये एम्बलम, ये सिंबल अपने आप में ही एक गूढ़ अर्थ रखता है कि ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जन जन के भीतर उस दिव्य ज्योति को, उसके यहां कॉन्शियसनेस सेंटर में उस दिव्य ज्योति को प्रकाशित कर देना और फिर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जागृति का शंख नाद फूंक देना और फिर ऐसे जागृत जनों से संपूर्ण विश्व को, पूरी प्रकृति को अलौकित और प्रकाशित कर देना। दिस इज वॉट द लोगो ऑफ द संस्थान सिग्निफाइज।
यही श्री मारे जी का डिवाइनेस्ट विजन भी है, उनका दिव्य अति दिव्य संकल्प भी है। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, प्रत्येक इकाई में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा विश्व में शांति। आप सोच रहे होंगे ये विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस, ये सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। ऐसा ही है, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड, व्हेन द वर्ल्ड इज इन सच अ डिवास्टेटेड स्टेट। हर जगह ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इसी का तो बोलबाला दिखता है। जब समाज की ऐसी अधोगति को देखते हैं तो मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक ही है कि आखिर ये परिवर्तन होगा कैसे, पूरा का पूरा विश्व ये शांत होगा कैसे। जानते हैं, एक बार यही प्रश्न एक जिज्ञासु ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से भी पूछा था। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमने सुना है कि आपका संकल्प है, आपका ये लक्ष्य है कि पूरे विश्व को शांत करना है, परंतु आप तो समाज की हालत को जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं है, फिर आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा संकल्प उठा लिया है? आखिर परिवर्तन कैसे होगा? उस समय हमें याद है श्री महाराज जी ने लगभग मुठियां कसते हुए पूरे बुलंद स्वर में गरजते हुए कहा था, परिवर्तन, परिवर्तन तो अच्छे अच्छों में आएगा। फौलाद से फौलाद लोहे को भी भट्टी में तपकर गलना पड़ता है और नए सांचे में ढलना पड़ता है, बशर्ते आग हो आपके पास। ये किस आग की बात की थी श्री महाराज जी ने? ये आग थी शुभ संकल्पों की आग, ये आग थी निस्वार्थ पुरुषार्थ की आग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आग थी परम ओजस्वी ब्रह्म ज्ञान की आग। और सजनों, इसीलिए इसी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेकर ही श्री मारे जी ने इस विश्व के विराट मंच पर अपने पावन चरणों को रखा। और आज, आज विश्व शांति, ग्लोबल पीस, वर्ल्ड पीस, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं लगती हैं, हवा में महल बनाने जैसी बातें नहीं लगती हैं। आज सफलता के चिन्ह साफ साफ नजर भी आ रहे हैं। जानते हैं, रुडियर्ड किपलिंग एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। उन्होंने एक बार कहा था, ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, नेवर द ट्विन शिल मीट, कि पूरब और पश्चिम आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। पर आज हमें लगता है कि शायद किपलिंग को अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री महाराज जी के मार्ग निर्देशन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज अपने कदमों को पूरब से पश्चिम की ओर भी बढ़ा चला है। यस, वी हैव आवर ब्रांचेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इन UK, USA, Canada, Germany, Philippines, Thailand, and so on and so forth. विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अपने परचम को ना फहराया हो। और सिर्फ यही नहीं, आप यह जो आध्यात्मिक कार्यक्रम इस मंच के द्वारा देख रहे हैं, संस्थान केवल यही एक आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं करता, बहुत से अनेकों अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जैसे राम कथा, श्रीमद देवी भागवत कथा, शिव कथा, जागरण, चौकी, लेक्चर्स, डिबेट्स, कॉन्फ्रेंसेस, अनेक अनेक। और यह भी नहीं, संस्थान इज ऑल्सो वर्किंग इंसेसेंटली इन सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन फील्ड्स एज वेल। आज संस्थान अनेक अनेक सामाजिक प्रकल्प भी चला रहा है, जैसे अंतर क्रांति, अंतर्दृष्टि, बोध, संतुलन, आरोग्य, कामधेनु, अनेक अनेक सामाजिक प्रकल्प। और आपको बताएं, इन समस्त आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का कार्यभार हजारों हजारों सेल्फलेस, डेडिकेटेड वॉलंटियर्स और प्रीचर्स ने सहर्ष अपने ऊपर ले लिया है। आज मैं मारे जी के मार्ग निर्देशन में प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान के लिए जिसके बारे में आप पिछले 6 दिवसों से सुन रहे हैं, ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा तत्क्षण हम अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुख और आनंद से भर सकते हैं। ऐसे ज्ञान के लिए आज हजारों हजारों महाराज जी के कार्यकर्ता, प्रीचर्स कार्यरत हैं। उनके भीतर एक जज्बा है, एक जोश है, एक संकल्प उन्होंने धारण किया है। कैसा संकल्प? कि अब दियों का दम ना टूटे, अब किरण को तम ना लूटे।
चल पड़े हैं तो धरा को जगमगा कर ही रहेंगे, धर्म की अस्मिता को विश्व के कगार तक ले चले हैं तो धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे, ले चले हैं तो धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे। ऐसा संकल्प हमने धारण किया है क्योंकि जो हमें मिला है, जो आनंद हमें मिला है, वो आज हम आप सबके बीच में बांट देना चाहते हैं, लुटा देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसा आनंद पाया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है। पैलेस्टीन में दो नदियां बहती हैं, एक है सी ऑफ गैलिली और दूसरी डेड सी। सी ऑफ गैलिली, उसमें बहुत ही सुंदर साफ सुथरा फ्रेश वाटर है, रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं, आस पास पेड़ पौधे हैं, हरियाली ही हरियाली है। और दूसरी है डेड सी, जो बिल्कुल डेड है, ना रंग बिरंगी मछलियां हैं ना ही हरियाली है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है कि एक ही सोर्स का पानी बह कर कर दोनों नदियों में आता है, फिर उनमें इतना अंतर क्यों? रिसर्च हुई और पाया गया कि सी ऑफ गैलिली पानी को लेती है और आगे बांट देती है, और डेड सी पानी को लेती है, सहेज कर, समेट कर, इकट्ठा कर कर अपने तक रख लेती है। भाइयों और बहनों, जो लेगा और आगे बांट देगा वही जिंदा कहलाएगा, और जो सहेज कर, समेट कर रख लेगा, ही विल बी टर्म्ड एज डेड। इसीलिए आज जो हमें मिला है, जो आनंद हमने पाया है, आज हम सबके साथ, आप सबके बीच में बांटने के लिए आए हैं, आपको देने के लिए आए हैं। इसलिए आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका आह्वान कर रहा है कि आप यूं बैठे क्यों हैं? आइए इस कारवां के साथ हो चलिए। समझ लीजिए कि बस एक क्रांति की लहर उठ चुकी है, अब आप लोग भी अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, उस ज्ञान के लिए बढ़ो। डोंट जस्ट बी मियर स्पेक्टेटर्स ऑफ द चेंज। ये जो क्रांति की लहर उठी है, इसे दूर से खड़े होकर केवल मात्र दृष्टा मत बनो, बल्कि अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, इसके सहभागी बन जाओ, इसके सहयोगी बन जाओ। फिर देखना ये कारवां बढ़ता चला जाएगा, एक से दस, दस से सौ, सौ से हजार और हजार से लाखों, और फिर देन द वर्ल्ड पीस विल बिकम अ टैंजिबल रियलिटी। फिर श्री मारे जी के विश्व शांति के लक्ष्य को साकार होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, आज इसी संकल्प के साथ आप सभी का आह्वान करते हुए हम एक बार पुनः इस कथा प्रसंग का शुभारंभ करेंगे, और उसके लिए हम आग्रह करेंगे मंच पर उपस्थित परम पूजनीय, परम श्रद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या, भागवत भास्कर, भागवताचार्य, कथा व्यास, साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र मारे जी की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आइए आस्था भारती जी। Bye.
पंकजं मदीयमानसे निजं सदैव पादपंकजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि दण्डबालकं सदैव पादपंकजं मदीयमानसे निजं सदैव पादपंकजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि दण्डबालकं नमामि दण्डबालकं नमामि दण्डबालकं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम संकीर्तन से, जिनके नाम के स्मरण से, उन्हें याद करने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, ऐसे ही प्रभु का चिंतन करते हैं और बुलंद स्वर में प्रभु का जय घोष लगाते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। एक बार पुनः भगवान के सभी प्यारे भक्त इस दिव्य पंडाल में पहुंच चुके हैं। आइए भगवान की कथा को आरंभ करते हैं। भगवान की कथा आरंभ होती है मानव की व्यथा से। जब जब भी मानव व्यथित होकर पहुंचता है, हृदय से पुकार करता है, उस समय हमारे प्रभु इस धराधाम पर आते हैं, लीलाएं करते हैं और उनकी लीलाएं कथा के रूप में हमारी व्यथा को दूर करती हैं। हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण मुरारी इस धरा पर आए, हमारे श्री राम इस धरा पर आए और आके संपूर्ण जीवन जो भी कर्म किया, क्रिया की, वो दिव्य लीलाओं के रूप में हमें प्राप्त हुई। आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, आज भी हमें सिखा रही हैं। सर्वश्रेष्ठ कृति मिली, क्राउन ऑफ द क्रिएशन हमें मिला, ये मानव तन मिला। दुख है, इस मानव तन को पाकर भी जो पाना था वो नहीं पाया। मानव तन में जो अनमोल श्वासें मिली, वो घड़ी घड़ी बीत रही हैं, वो हमसे छूट रही हैं। जिस कार्य के लिए आए थे, उस कार्य को अभी पूर्ण नहीं कर पाए। सज्जनों, हम लापरवाह हो गए हैं और इस लापरवाही का कारण क्या है कि हमें मानव तन की कीमत नहीं मालूम। एक बार एक व्यापारी थे, वो जब भी कहीं पर काम से जाते, किसी भी चीज पर अपने साइन करते तो अपना पेन वहीं भूल जाते थे। अपनी इस आदत से बड़े परेशान थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं 5 रुपए से ऊपर का पेन कभी नहीं रखूंगा, अगर छूट भी गया तो दुख नहीं होगा। कुछ दिन ऐसा ही चला, फिर एक दिन एक मित्र मिला। मित्र को ये सारी घटना बताई कि जहां जाता हूं साइन करता हूं, पेन छोड़ाता हूं, इसलिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है, सस्ते से सस्ता पेन रखूं। मित्र ने कहा, मेरी सलाह मानोगे? उसने कहा, मित्र ने कहा, ऐसा करो, गोल्ड का पेन लो। उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, अगर छूट गया तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने कहा, मेरी एक बार सलाह मानकर देखो, मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई गलत सलाह नहीं दी। उसने कहा, हाँ नहीं दी,
कहते फिर गोल्ड का पेन लो तुम। उसने ले लिया और इतना ही नहीं, उस पर एक बहुत अमूल्य हीरा भी जड़वा लिया। अब क्या हुआ, साइन करता झट जेब में रख लेता, साइन करता जेब में रख लेता। थोड़े दिन के बाद फिर से मित्र से मिला। मित्र ने कहा, क्यों भाई, अब क्या पेन भूलने की आदत अब भी है? उसने कहा, नहीं, अरे तुमने इतनी अच्छी सलाह दी कि अब तो मेरा पेन कभी खोता ही नहीं है। झट से साइन करता हूँ, काम करता हूँ और पेन को संजो लेता हूँ। मित्र ने कहा, मेरी सलाह में दम नहीं, अब जो उस पेन का मोल है, जो मूल्य है, उसमें दम है। तुम उसकी कीमत को जानते हो, तुम उसकी कीमत को पहचानते हो, इसलिए संजो कर रखते हो। सज्जनों, लापरवाही आती कब है? जब हम कीमत को भूल जाते हैं। हम मानव तन को लेकर लापरवाह हो गए। हमारी श्वासों रूपी धन हमसे छूटता जा रहा है। न जाने कब मृत्यु देव आके हमारे समक्ष खड़े हो जाएं और जो श्वासों रूपी पूंजी है ये खत्म हो जाएगी। क्या कहोगे तब भगवान से जाकर कि प्रभु, आपकी भक्ति के लिए समय नहीं मिला, आपने हमें मौका नहीं दिया? नहीं, इस मानव तन की कीमत को समझो, जानो। और जिस क्षण आपको इस मानव तन की कीमत समझ आ गई, आप झट से प्रभु की भक्ति की ओर, शाश्वत दर्शन की ओर बढ़ जाओगे। सौभाग्य है आपका कि आप सबको मानव तन मिला है, और उससे भी परम सौभाग्य है कि आपको काशी की नगरी में निवास करने का अवसर मिला है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है ये, योगियों की, तपस्वियों की ये साधना भूमि है। यहीं बैठकर हमारे तुलसीदास जी ने स्वयं को साधा, रामचरितमानस की रचना कर दी। यहीं बैठकर हमारे ऋषि महर्षियों ने स्वयं को योग की अग्नि में तपाया। आप उस योग भूमि पर बैठे हो, उस तपो भूमि पर बैठे हो। कम से कम अपनी इस भूमि से तो शिक्षा लेते, जो आपकी भूमि पर प्रचलित कथाएं हैं उनसे तो कुछ सीख लेते, जो इस काशी नगरी का, इस वाराणसी का इतिहास है उस इतिहास को तो कुछ ग्रहण करते। आज ऐसी ही एक कहानी लेकर आपके मध्य आए हैं। यहीं इसी काशी नगरी में गंगा नदी के तीरे पूर्ण सद्गुरु गुरु रामानंद जी विराजते थे। गुरु रामानंद जी पूर्ण सद्गुरु थे और अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उन्हें जन जन तक उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते थे। गंगा नदी के तीरे दिव्य आश्रम बना है। भोर होने से पूर्व ही गुरु और शिष्य जाकर गंगा नदी में स्नान कर आते। जैसे ही सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती, सूर्य नमस्कार करते, ध्यान साधना करते, वेदों मंत्रों का उच्चारण संपन्न कर वे अपने कार्यों में संलग्न हो जाते। गुरु की आज्ञा से द्वार द्वार भिक्षाटन करते और जन जन को जाकर सत्संग सुनाते। एक दिवस की बात है, गुरु रामानंद जी ने अपने शिष्य धर्मानंद को बुलाया और उनसे कहा, मैंने सुना है कि राजा पीपा बहुत ही दानी स्वभाव का है, तुम अपने संग कुछ शिष्यों को लेकर जाओ और उसके नगरी में जाकर प्रचार प्रसार करो और उसकी सेवा को स्वीकार करो। गुरु की आज्ञा मिलते ही शिष्य सज्ज हो गया। शिष्य धर्मानंद अपने संग 10 शिष्यों को और लिया और चल दिया राजा पीपा की नगरी। कई दिवसों के पश्चात यात्रा करने के बाद वे पहुंचे राजा की नगरी में। राजा पीपा बड़े ही धर्मात्मा स्वभाव के थे। उनकी नगरी में संत महापुरुष आते ही रहते थे, वे इन हाथों से उनका पूजन करते ही रहते थे। जिस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि इस प्रकार गुरु के सच्चे भक्त पधार रहे हैं, सच्चे शिष्य पधार रहे हैं, उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, उन्होंने उन्हें बिठाकर उनके चरणों का प्रक्षालन किया, दंडवत प्रणाम किया उनके चरणों में और फिर उनका अच्छे से स्वागत करते हुए उन्हें अपने राजमहल मिलाए।
तदोपरांत जैसे ही राजा पीपा जाकर उन सभी के समक्ष बैठे, आज न जाने क्यों राजन को उनकी ओर एक आकर्षण अनुभव हो रहा था। ऐसा नहीं था कि राजा पीपा पहली बार किसी संत से मिल रहा है, नहीं, लेकिन उन संतों में एक दिव्य आकर्षण था। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल होता है और वो हर प्राणी और वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जैसे चुंबक है जो लौह कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे ही गुरु रामानंद के जो शिष्य थे उनके चेहरे की जो दिव्य आभा थी वो राजा पीपा की आत्मा को खींच रही थी। राजा पीपा आनंदित हुआ है और अब उसने शिष्य धर्मानंद और बाकी सभी शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था की। शिष्य धर्मानंद जी एक कोर तोड़कर हाथ में राजा पीपा से पूछते हैं, कहने लगे, राजन, हमने आपकी सेवा भक्ति भावना के बारे में बहुत सुना है और उसी कारण से हम यहाँ आए हैं। आप बता सकते हैं कि आपके गुरुदेव का नाम क्या है? यह सुनना था कि राजा पीपा मौन हो गए कुछ पलों के लिए। शिष्य धर्मानंद देख रहे हैं, राजा पीपा ने कहा, बालपन से सुना था कि संतों महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, इसलिए उसी कार्य में लग गया। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है, आपने जो मेरे गुरु का नाम पूछा है, मेरे पास ऐसा कोई नाम नहीं क्योंकि मैंने गुरु धारण ही नहीं किया। यह सुनना था कि सभी शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। भोजन का जो एक कोर अभी मुख में भी नहीं गया था वापस थाली में डाल दिया, अपने झोलों को उठाया, कमंडल को उठाया और राजा के महल का त्याग कर वापस जाने लगे। राजा पीपा ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, आप सब कहाँ जा रहे हैं? आपने तो अभी तक एक भी कोर ग्रहण नहीं किया, क्या आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? संतों ने कहा, राजन, हमारे जीवन का नियम है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं निगुरे के घर हम कभी भोजन ग्रहण नहीं करते। आपने तो जीवन में गुरु ही धारण नहीं किया, तो हम आपके इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। राजा पीपा ने कहा, क्षमा कीजिए, आज से पूर्व मेरे राज्य में बहुत से संत आए, सबने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए, लेकिन कभी किसी ने गुरु की महिमा नहीं सुनाई। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि गुरु की महिमा क्या है, क्यों मैं अपने जीवन में गुरु को धारण करूं, मुझे समझाइए। उस समय गुरु रामानंद जी के शिष्य बैठ गए और राजा पीपा को गुरु की महिमा सुनाने लगे और राजा पीपा से कहते हैं, पीपा, इस जीवन में जब तक गुरु नहीं तब तक जो भव सागर है उससे पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु इस जीवन का मल्लाहा है और मल्लाहा के बिना तुम इस भव सागर को कभी पार नहीं कर सकते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मानव के लिए ये चार पुरुषार्थ निर्धारित किए हैं हमारे ऋषि महर्षियों ने। जीवन में अर्थ भी हो, काम भी हो, लेकिन उससे पूर्व उन्होंने धर्म शब्द लगाया। राजन, धर्म का परिचय तो केवल गुरु देते हैं, इसलिए जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। कितना सुंदर संतों ने समझाया। ये आज्ञा केवल राजा पीपा के लिए नहीं थी, हम सभी भारतवासियों के लिए है, उन ऋषियों की संतानों के लिए है जिन्हें भारत भूमि पर जन्म मिला है, जो भारत भूमि के निवासी हैं, जो ऋषियों की संतानें हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस एक सीक्वेंस में हमारे ऋषियों ने बांध कर हमें दिया। सज्जनों, समझने का प्रयास कीजिए कि धर्म क्या होता है। आपसे पूछते हैं, आपके अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा क्या है? आप धर्म किसे कहते हो? कोई कहता है मैं उस धर्म का हूं, कोई कहता है मैं उस धर्म का हूं, सबने अपना अपना धर्म बांट लिया। लेकिन एक बार ग्रंथों को खोलकर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि धर्म वास्तविकता में क्या है। धर्म शब्द बनता है धृ धातु से,
जिसका अर्थ होता है धारणा धर्मं इति आहु। जिसे धारण किया जाता है उसे कहते हैं धर्म। जैसे अग्नि है, अग्नि की मूल प्रकृति है उष्णता। अगर अग्नि में उष्णता नहीं तो वो अग्नि नहीं कहलाती। मानव की मूल प्रकृति है उसका आत्म तत्व, उसका चैतन्य तत्व। अगर हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, अगर हमने अपनी आत्मा को धारण नहीं किया, तो समझ जाइए हम अभी तक धर्म से नहीं जुड़े। हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा, तब हम धर्म से जुड़ पाएंगे। इसे समझने के लिए आओ हम एक एक्सपेरिमेंट को सुनते हैं। मनोवैज्ञानिक हुए फिलिप जिम्बार्डो, जिन्होंने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया। बड़ा साधारण सा एक्सपेरिमेंट है, अगर ध्यान से सुनोगे तो अपनी जिंदगी को इससे जोड़ पाओगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट असफल रहा, लेकिन फिर भी एक गूढ़ शिक्षा हमारे लिए छोड़ कर गया। विश्वविद्यालय के तहखाने में एक बड़ा सा कारागार बनाया गया। इस प्रयोग को करने के लिए एक विज्ञापन भी निकाला गया कि जो भी इस प्रयोग में भाग लेगा उसे एक दिन के $15 दिए जाएंगे। और यह प्रयोग, यह एक्सपेरिमेंट 15 दिन तक चलेगा। 75 बच्चों के नाम आए, लड़कों के, जिसमें से 24 लड़कों को चुना गया। 12 को तो कैदी बनाया गया और 12 को पुलिसकर्मी बनाया गया। ये प्रयोग बिल्कुल वास्तविक लगे, इसके लिए उन्होंने एक और युक्ति निकाली। जो कैदी थे उन्हें फटे पुराने वस्त्र पहना दिए, उनके पैरों में जंजीरें बांध दी, और जो पुलिसकर्मी बने थे उन्हें फौज वाली यूनिफॉर्म पहना दी गई, और उनसे कहा गया कि आप इस कारागार को नियंत्रित करने के लिए जैसा नियम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन आप किसी पर भी अत्याचार नहीं करेंगे। और यह प्रयोग और भी वास्तविक रूप से नजर आए, इसलिए प्रशासन की भी सहायता ली गई। जो लोग कैदी थे उन्हें घर भेजा गया और उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़कर उसी कारागार में डाल दिया गया विश्वविद्यालय के। मनोवैज्ञानिक जानना चाहते थे कि ये जो प्रयोग हो रहा है इसका इंसान के मन पर प्रभाव कैसा पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, कैदी भी अभिनय कर रहे हैं और पुलिसकर्मी भी अभिनय कर रही है, लेकिन अभिनय करते करते वे ये भूल गए कि वो एक एक्सपेरिमेंट में है। वो उसे ही जीवन की वास्तविकता मानने लगे। धीरे धीरे जो पुलिसकर्मी थे वो उन कैदियों पर अत्याचार करने लगे, उनसे उनकी चटाइयों को छीन लिया, उन्हें ठंडे फर्श पर सोने को विवश किया। और इस प्रकार जो कैदी थे वो मानसिक रूप से रोगी होते चले गए। दो तो कैदी ऐसे हुए जिन्हें बीच एक्सपेरिमेंट के उस कारागार से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि वो उस मानसिक यातना को सह नहीं पाए। 15 दिन चलने वाला ये एक्सपेरिमेंट 6 दिन पहले ही खत्म हो गया। क्यों? बड़ा समझने का, मार्के का संदेश है इसमें। ध्यान से देखो तो ये जीवन भी एक प्रयोग है, हमारा जीवन भी एक एक्सपेरिमेंट है। हम भी अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है। और अगर व्यवसाय के रूप में देखें तो कोई वैज्ञानिक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है। जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो इस समाज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा है। लेकिन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए हमारा मन अशांत है, हम दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। क्यों? इसका स्पष्ट कारण है जो उन कैदियों के साथ हुआ। वो कैदी जानते थे कि ये प्रयोग है, लेकिन भूल गए। वो पुलिसकर्मी भी जानते थे कि ये केवल 15 दिन का एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो भी भूल गए।
उन लोगों ने अपनी सच्चाई को भुला दिया और जो अभिनय कर रहे थे उसे ही सच्चाई मान ली, इसलिए दुख और पीड़ा में पहुंच गए। हमारे साथ भी ऐसा है सज्जनों, हम इस समाज में आए हैं, इस संसार में आए हैं, एक अभिनय कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं उसे निभा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए है। हमें वापस वहां जाना है जहां से हम आए हैं। हम उस भगवान का अंश हैं, उस भगवान से जुदा होकर यहां आए हैं और अपने अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे दुख, हमारी पीड़ा का कारण यही है कि हम अपनी सच्चाई भूल गए। हमने अपने आप को इस देह तक सीमित मान लिया, अपनी पहचान ये देह मान ली। सज्जनों, हमारी पहचान वो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। अगर हम उस आत्मा से जुड़ जाएं, तो हम दुखी नहीं रहेंगे, हम कष्ट में नहीं रहेंगे, हम पीड़ाओं में नहीं रहेंगे। उसी आत्मा का दर्शन करना है शाश्वत धर्म। जिस दिन हम अपने अंतर जगत में उतरे और हमने अपने उस आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त किया, उस दिन सज्जनों हम सही मायने में धर्म से जुड़ जाएंगे। विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। वो परमात्मा जो प्रकाश रूप में आपके अंदर बैठा है, वही प्रकाश तत्व, वही तत्व, उसे जान लेना, उसे देख लेना ही शाश्वत धर्म है। मानव की मूल प्रवृत्ति है उसकी चैतन्य शक्ति, उसका प्रकाश। जिस दिन उससे जुड़ जाओगे, समझ लेना आप शाश्वत धर्म से जुड़ गए। लेकिन अभी तक हमारे जीवन में धर्म नहीं, इसलिए अर्थ और काम को भी हम ढंग से पूर्ण नहीं कर पाते, और यही कारण है कि अभी तक हम मोक्ष के मार्ग पर भी नहीं बढ़ पाए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक सीक्वेंस रखी, एक क्रम बनाया। सबसे पहले जीवन में धर्म को लाओ, अपने आप को जानो, अपनी पहचान को प्राप्त करो, उस ईश्वरीय सत्ता से, उस आत्म तत्व से जुड़ जाओ, तदोपरांत आप अर्थ को प्राप्त करते हो। जो अर्थ, जो धन आप जीवन में संचित करते हो, उसका ढंग से उपयोग कर पाते हो। कभी आपने देखा है, जब दीपावली आती है तो हम श्री राम के वापसी आने पर अयोध्या में हम पूजन करते हैं, दीपों की मालाएं जगाई जाती हैं, और उस क्षण एक भक्त पूजन करता है माँ लक्ष्मी और गणेश जी का। क्यों? भगवान श्री राम लौट कर आए अयोध्या, लेकिन पूजन हुआ लक्ष्मी और गणेश का। प्रतीकात्मक है, माँ लक्ष्मी सवारी करती है उल्लू की। ठीक कहा, अगर हमारे पास केवल लक्ष्मी रहेगी, धन रहेगा, तो हम उल्लू बन जाएंगे। सारी सारी रात जागते हुए बिताएंगे, कहीं कोई हमारा धन चुरा कर ना ले जाए, कहीं कोई हमारा धन हमसे छीन ना ले। हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी अगर जीवन में केवल लक्ष्मी रहेगी। लेकिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा का विधान बनाया गया, अर्थात लक्ष्मी के साथ विवेक की प्राप्ति करो। गणेश जी विवेक के देवता हैं, और ये विवेक मिलेगा कहां से? इस विवेक की प्राप्ति होती है अध्यात्म से, धर्म से। इसलिए महापुरुषों ने अर्थ से पहले धर्म लगाया। अगर हम बात करें काम की, यानी इच्छाओं की, तो सज्जनों एक बार अपने मन में झांक कर देखिए, क्या हमारी कामनाएं कभी रुकती हैं? एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी सिर उठा लेती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी सिर उठा लेती है। इच्छाएं निरंतर बढ़ती हैं, बढ़ती रहती हैं, और हमारा जीवन इन कामनाओं की अग्नि में, इच्छाओं की अग्नि में जलता रहता है। आज जो समाज के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। हमें दूसरों से अच्छा चाहिए, हमें उससे बड़ा घर चाहिए, उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। ये इच्छाएं और कामनाएं
हमें समझ नहीं आता, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन ये एक अग्नि की भांति है जो हमारे जीवन को जला देती है। सज्जनों, जीवन खत्म हो जाता है लेकिन हमारी कामनाएं और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हम कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी संतुष्ट नहीं होते। एक व्यक्ति था, अपने घर के आंगन में बैठकर रो रहा था, खूब बहुत ऊंची ऊंची दहाड़े मार रहा था, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। पड़ोसी ने सुना, दौड़ते हुए आया, कहने लगा, क्या हुआ मित्र, क्या हुआ, क्यों इतना रुदन मचा रखा है? उसने कहा, क्या बताओ मित्र, तुझे याद है मेरे दादाजी? बस 15 दिन पहले मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। उसने कहा, दादाजी की मृत्यु 15 दिन पहले हुई, तू आज रो रहा है? उसने कहा, क्या बताऊं, बस अभी 10 दिन पहले ही मेरे चाचा जी की भी मृत्यु हो गई। उसने कहा, चाचा जी की मृत्यु भी 10 दिन पहले हुई, तू आज रो रहा है? उसने कहा, क्या बताऊं, बस 5 दिन पहले ही मेरे ताऊ जी की भी मृत्यु हो गई। मित्र को समझ नहीं आ रहा, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले हुई मृत्यु पर ये आज क्यों शोक प्रकट कर रहा है? उसने कहा, क्या हुआ है, खुलकर बता। उसने कहा, दादाजी भी जाने से पहले अपना सारा बैंक बैलेंस मेरे नाम छोड़कर चले गए, चाचा जी भी मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके चले गए, अब ताऊ जी भी मरने से पहले अपना सब कुछ मुझे देकर चले गए। मित्र ने कहा, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, केसर बरस रहा है तेरे घर में तो। कहने लगा, आज ही मुझे याद आया कि अब तो मेरे घर में मरने वाला कोई भी नहीं बचा जिसके मरने पे मुझे बैंक बैलेंस मिल सके, बस इसीलिए रो रहा हूं। ये हमारी इच्छाएं हैं जो कभी हमें संतुष्ट नहीं रहने देती, कभी हमें संतोष को पाने नहीं देती। सज्जनों, एक ऋषि ने पूछा था अपने गुरु से, कहने लगे कि ये जो इच्छाएं हैं तो साक्षात मृत्यु है, क्या इस मृत्यु की भी मृत्यु हो सकती है? गुरु ने कहा था, जैसे आग है ना, आग, आग हर चीज को जला देती है, साक्षात मृत्यु है, लेकिन आग पर अगर पानी डाल दोगे तो वो आग की भी मृत्यु है, यानी जो इच्छाएं रूपी मृत्यु है इसकी भी मृत्यु संभव है। अगर तुम भगवान से जुड़ जाओ, विवेक से जुड़ जाओ, तो तुम्हारा जीवन नियंत्रित हो सकता है। फिर जितना मिलेगा तुम उसमें संतोष पाओगे, जो भी मिलेगा भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते चले जाओगे और भगवान की रजा में राजी होते चले जाओगे। यही कारण है महापुरुषों ने पहले धर्म को स्थान दिया, और जब धर्म से जुड़कर अपने जीवन का यापन करोगे, जीवन को जियोगे, तो निस्संदेह आपको मोक्ष मिलेगा। जिस क्षण आप धर्म से जुड़ जाओगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, स्वयं के जीवन के साथ साथ समाज के कल्याण के बारे में भी सोचोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, जब हृदय से ऐसे भाव प्रकट होंगे तो निस्संदेह आप मोक्ष के मार्ग पर बढ़ चुके होंगे, मुक्ति आपका स्वागत अवश्य करेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सबसे पहले स्थान दिया धर्म को। राजा पीपा की तरह आप सबको भी अपने जीवन में पहले धर्म को उतारना होगा, भगवान के साक्षात्कार को पाना होगा। जिस दुख, जिस पीड़ा में जकड़े हुए हो, अपने स्व अस्तित्व को जानना होगा, खुद से परिचय पाना होगा कि हमारी पहचान क्या है। यही संदेश संतों ने राजा पीपा को दिया। राजा पीपा ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा कि क्या गुरु रामानंद जी मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे दीक्षा देंगे? शिष्यों ने कहा, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, अगर सच्चे मन से, सच्ची जिज्ञासा से उनके पास आओगे तो अवश्य स्वीकार करेंगे। संदेश देकर संत वहां से प्रस्थान कर गए। राजा पीपा पूरी रात एक कश्मकश में उलझे रहे। रानी ने देखा तो रानी ने पूछा, राजन क्या हुआ, क्या हमारे राज्य पर कोई संकट आया है? आज आपके इस दुख का कारण क्या है, आपकी इस परेशानी का कारण क्या है? उस समय राजा पीपा ने कहा, आज संत मेरे द्वार से भूखे चले गए,
आज तक मेरे द्वार से, मेरे भवन से कोई संत भोजन किए बिना नहीं लौटा। लेकिन आज मेरे द्वार से संत इसीलिए वापस लौट गए कि मैं निगुरा हूं, मेरे जीवन में गुरु नहीं। आज लगता है कि गुरु के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ये व्यर्थ है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि वो जाते जाते मुझे मार्ग दिखा कर गए। वाराणसी में गंगा नदी के तीरे गुरु रामानंद जी का आश्रम है। रानी ने सुना, कहने लगी, तो फिर देर किस बात की है, चलो हम वहां चलते हैं। भोर हुई, राजा रानी ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने श्रृंगार किया, हीरे मोतियों से जड़ित कितनी थालियां तैयार की, हाथी और घोड़े तैयार किए, सैनिकों को संग लेकर पूरे दल बल के साथ राजा पीपा अपनी रानी को लेकर पहुंच गए आश्रम में गुरु रामानंद जी के दर्शन करने। जैसे ही आश्रम में पहुंचे, शिष्य धर्मानंद की दृष्टि राजा पीपा पर पड़ गई। राजा पीपा का स्वागत किया, उन्हें बिठाया। राजा पीपा ने कहा, बस एक अभिलाषा है, आपके गुरुदेव का दर्शन करना है, मुझे गुरु रामानंद जी को देखना है, मैं उनका दर्शन करने आया हूँ, अपने हृदय में यही पुकार लेकर आया हूँ, बस उन्हें देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरी ये प्रार्थना उनके चरणों तक पहुँचा देंगे? शिष्य धर्मानंद जी ने कहा, आप बैठिए, मैं अभी गुरुदेव को संदेश देकर आता हूँ। शिष्य धर्मानंद भीतर चले गए। ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, राजा पीपा और रानी की जो व्याकुलता है वो बढ़ रही है। राजा पीपा से वो समय व्यतीत नहीं हो रहा, एक एक क्षण मानो लगता है पहाड़ की भांति बड़ा होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है। राजा पीपा ने नेत्र मूंद लिए, हृदय से उसने पुकार की, और आज गुरु रामानंद जी को पुकार रहा है, उनके चरणों में अपने भावों को रख रहा है, और उसके हृदय के भाव क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आया दर पे तेरे, सुन भगवन मेरे, सुन भगवन मेरे, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, आया दर पे तेरे, सुन भगवन मेरे, आया दर पे तेरे, सुन भगवन मेरे, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, आया दर पे तेरे। अब तो दाता मुझे स्वीकार करो, मेरे दिल में सदा अपना प्यार भरो, मेरे दिल में सदा अपना प्यार भरो, सिर चरणन गऊं तेरी सेवा करूं, सिर चरणन गऊं तेरी सेवा करूं, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, आया दर पे तेरे।
तेरी शरण में नित हो निवास मेरा। हर जन्म बनू मैं दास तेरा, तेरी शरण में नित हो निवास मेरा, तेरी शरण में नित हो निवास मेरा। यही चाह मेरी मिले शरण तेरी, यही चाह मेरी मिले शरण तेरी। मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। आया दर पे तेरे सुन भगवन मेरे, आया दर पे तेरे सुन भगवन मेरे। मेरी लाज रखो, 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 मेरी लाज रखो। आया दर पे तेरे उच्च कथा व्यासी से क्षमा चाहेंगे। हमारे बीच में दीप प्रज्वलन हेतु मुख्य अतिथि जन प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं श्री आर के चौधरी जी, प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल चेयरमैन एवं चौधरी ग्रुप उत्तर प्रदेश। प्लीज आप आगे आएं। श्रीमान सत्यनारायण झुंझुनवाला, श्री दीनानाथ झुंझुनवाला जो कि प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, श्रीमान विनोद भालोटिया जी एवं नीतू भालोटिया जी वाराणसी से, श्री सुरेश खेमका जी, उमा खेमका जी कलकत्ता से, श्री रजनी शर्मा जी, रक्षा भारद्वाज जी, श्री रिद्धि शाह जी, रेणु केजरीवाल जी, अदिति अग्रवाल जी, सुनीता जालान जी, रीना टिडवानिया जी और रेखा धानुका जी, अनीता गिनोडिया जी, रीना तुलस्यान जी, रीता अग्रवाल जी एवं कृतिका गोयल जी जो कि वरुणा शाखा से हैं, और हमारे बीच में गंगा शाखा के सभी पदाधिकारी भी यहां पर उपस्थित हैं। उनको जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी एवं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल जी, आप कृपया मंच के निकट आएंगे। श्री सुमन कुमार सिंधी, प्रसिद्ध साड़ी व्यवसायी वाराणसी से, श्री विरिज भवन दास जी गुजराती, श्री बाल कृष्ण वर्मा जी जेई सिंचाई खंड सुल्तानपुर से, श्रीमती आरती सेठ किशोर न्याय बोर्ड से, बोर्ड के सदस्य वाराणसी, श्रीमती श्वेता हिंदूवादी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण वाराणसी से, श्री डॉक्टर विवेकानंद राय एवं मेट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मिंकू राय जी स्त्री रोग विशेषज्ञ साई मेडिसिनिटी प्राइवेट लिमिटेड नरिया वाराणसी। कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमान अरविंद भालोटिया जी, श्रीमती अनीता भालोटिया जी कृपया आप मंच के निकट आएंगे। श्रीमान छोटे लाल चौधरी जी एवं श्रीमती माधुरी चौधरी जी, रामनाथ चौधरी लान वाराणसी, एवं श्रीमान शशि भूषण सिंह जी जो इस लैन के ऑनर हैं, उनसे आग्रह है वो भी आगे आएँ। श्रीमान हीरालाल अग्रवाल जी चेतमणि ज्वेलर्स वाराणसी से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं श्रीमती प्रियंका सिंह जी, युवान्या इंटरप्राइजेस जौनपुर से, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। श्री हरिहर प्रसाद होयाल जी एवं श्रीमती गोमा शर्मा जी जो कि नेपाल के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काठमांडू से आए हैं, उनका अभिनंदन है मंच के निकट। श्री आनंद श्रीवास्तव जी एवं श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव जी वाराणसी से, श्रीमती भगवती देवी बंसल जी, श्री प्रदीप कुमार एवं श्रीमती कुसुम देवी जायसवाल जी,
श्री रवि जायसवाल जी एवं श्रीमती ममता जायसवाल जी वाराणसी से, डॉक्टर के एन राय एवं श्रीमती उमा राय जी, श्री राघव तिवारी जी एवं श्रीमती निशा तिवारी जी, श्री पंकज मिश्रा जी एवं श्रीमती सुमन मिश्रा जी, श्री छविलाल सेठ एवं श्रीमती सुशीला सेठ जी, श्री रमेश चंद्र साहू जी एवं श्रीमती रीता साहू जी एवं कुमारी बेंदाल जी, श्री गोरखनाथ मिश्रा एवं श्रीमती बिंद्रावती मिश्रा जी, श्री गणेश प्रसाद सिंह जी, श्री अनिल यादव एवं श्रीमती उषा यादव जी, श्री महेंद्र मिश्रा जी एवं श्रीमती मिश्रा जी सा परिवार, श्री नरेंद्र सिंह जी एवं श्रीमती ममता सिंह जी, श्री एस के गुप्ता जी एवं श्रीमती सोनी गुप्ता जी गाजीपुर से, और श्री मदन लाल वर्णवाल जी एवं श्री मोहन लाल जी वर्णवाल जी अध्यक्ष वर्णवाल सेवा समिति, आपका अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। श्रीमती निशिमा अध्यक्ष वर्णवाल महिला सेवा समिति वाराणसी, शशांक अग्रवाल जी बिजनेसमैन वाराणसी से, आप सभी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए आइए आदरणीय कथा व्यास जी को बढ़ते हैं। राजा पीपा के हृदय से हर श्वास के साथ एक पुकार उठ रही है, गुरु रामानंद जी के दर्शन की पुकार है, उनकी उस दिव्यता को साकार देखना है। शिष्य धर्मानंद ने भीतर जाकर राजा पीपा के आगमन की सूचना दी कि गुरुदेव, राजा आया है आपसे मिलने। गुरु रामानंद जी ने लीला आरंभ कर चुके हैं, उन्होंने सुना, कहने लगे, राजा आया है? अरे भिखारी आया है भिखारी, उसे कहो उसे मेरे दर्शन नहीं मिलेंगे, वापस लौट जाए। शिष्य जाकर ज्यों के त्यों गुरु के वचनों को पीपा को बता दिया। राजा पीपा का हृदय टूट गया। शिष्य धर्मानंद ने कहा, गुरु की आज्ञा है, आपको वापस लौट जाना चाहिए। हताश निराश हुआ वापस लौट गया अपने राज्य की ओर, राज कार्यों में संलग्न हो गया। लेकिन एक दिन वृद्ध मंत्री पास में बैठे हुए थे, कुछ कार्यों में संलग्न है। तभी वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, मैं कहीं दिन से देख रहा हूं आप उदास लगते हैं, ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई कश्मकश चल रही है। तब राजा पीपा ने सारी घटना कह सुनाई। वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, वैसे मैं कहता शोभा नहीं देता, पर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। गुरु के पास जब जाते हैं, संतों महापुरुषों के पास जब जाते हैं, तो निमाना बनकर जाते हैं। आप तो गुरु रामानंद के दर्शन करने गए, उनके दिव्य आश्रम में हाथी घोड़े सैनिक लेकर गए, ढेरों उपहार लेकर गए। वो स्वर्ण आभूषण के भूखे नहीं हैं, वो तो आपकी जिज्ञासा आपके प्रेम को पाना चाहते हैं। मेरा परामर्श है, आप एक बार पुनः उनके द्वार पर जाइए, लेकिन दीनहीन बालक की भांति जाइए, उनका प्रेम पाने जाइए। वृद्ध मंत्री की बात राजा पीपा को जच गई, अपनी रानी से जाकर कह बत सुनाया, और अगले ही दिवस साधारण से वस्त्र पहनकर राजा पीपा और उनकी रानी, अब ना कोई हाथी ना कोई घोड़ा ना कोई सैनिक, कुछ नहीं, रीते हाथ पैदल चलते हुए, कई दिनों की यात्रा करते हुए वे पहुंच गए गुरु रामानंद जी के पास वाराणसी में गंगा नदी के तीरे। शिष्य धर्मानंद ने उनकी स्थिति को देखा, उन्हें बिठाया, उन्हें पानी पिलाया। राजा पीपा ने पानी पीने से इनकार कर दिया, कहने लगे, नहीं, मैं तो केवल अपने गुरु का दर्शन करना चाहता हूँ, बस रामानंद जी को देखना चाहता हूँ, जाकर गुरुदेव से मेरी यह पुकार उन्हें सुनाइए। शिष्य धर्मानंद राजा पीपा की स्थिति को देख रहे हैं, उनकी मनहा स्थिति को पढ़ रहे हैं, दौड़ते हुए याचना लेकर गुरु के पास गए। रामानंद जी के समक्ष हाथ जोड़े, गुरुदेव, भिखारी आया है, दीनहीन याचक बनकर आया है पीपा, अब तो दर्शन दीजिए। रामानंद जी तो आवेश में आ गए, दर्शन दर्शन दर्शन, अरे क्या दर्शन दर्शन लगा रखा है, राजा पीपा से कहो अगर इतनी ही दर्शन की प्यास है, जाकर आश्रम में जो कुआं बना है उसमें कूद लगा दे। शिष्य का धर्म था गुरु का संदेश देना,
शिष्य धर्मानंदी जाकर राजा पीपा को गुरु रामानंद जी के वचन ज्यों के त्यों सुनाए। यह सुनकर राजा पीपा और रानी तनिक भी व्यथित नहीं हुए। कहने लगे, चलो, हमें गुरु के दर्शन नहीं मिले पर गुरु की आज्ञा तो मिल गई। दोनों ने रुख कर लिया कुएं की ओर। खिड़की को खोलकर गुरु रामानंद जी देख रहे थे, केवल एक परीक्षा ले रहे थे, जांच रहे थे कि शिष्य को ये शिष्य उस ब्रह्म ज्ञान को पाने के योग्य भी है या नहीं, इसके भीतर वो प्यास है भी या नहीं। ज्यों ही राजा रानी कूप के पास पहुंचे, रामानंद जी का स्वर गूंजा, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। और इतने में ही रामानंद जी बाहर आ गए। राजा पीपा और रानी ने पलट कर देखा गुरु की ओर, दौड़ते हुए आए और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्हीं अश्रुओं से गुरु रामानंद जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। गुरु के समक्ष प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हम खाली आए हैं, रीते आए हैं, इस हृदय पात्र को आपके चरणों में रखते हैं, हमें अपनी ज्ञान दीक्षा प्रदान कीजिए, हमें उस धर्म से जोड़ दीजिए। गुरु रामानंद जी ने कृपा की, राजा और रानी दोनों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर धर्म से जोड़ दिया। राजा ने अनुग्रह किया कि अब आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके आश्रम में रहूंगा, सेवा करूंगा। गुरु ने आदेश दिया कि नहीं, अभी अपने राज्य का संचालन करो, अपनी संतान को अच्छे संस्कारों से पोषित करो, उसे राज सिंहासन पर बैठाने के योग्य बनाओ, तब तुम इस आश्रम में आ सकते हो। राजा पीपा ने गुरु की आज्ञा को धारण किया और अपने राज्य को वापस लौट गए। निरंतर ध्यान साधना करते, जन जन तक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते, जिस ब्रह्म ज्ञान को पाया, जिस धर्म से स्वयं को पाया, उस प्रकाश से उन्होंने अपनी नगरी के हर एक मानव के हृदय को प्रकाशित करने की ठान ली। जन जन को रामानंद के चरणों से जोड़ते रहे राजा पीपा और अपनी संतान को भी संस्कारों से सुशोभित किया। एक दिन जब पुनः संतों की टोली उनके द्वार पर आई और आज संतों ने आकर उनके घर का भोजन ग्रहण किया, क्योंकि अब वो निगुरे नहीं सगुरे बन चुके थे, उन्हें भोजन करवाकर राजा पीपा की अंतरात्मा शांत हो गई। जाते हुए संतों से कहा, गुरुदेव से कहना कि राजा पीपा को अपने आश्रम में बुला लें, अब वो सेवा करना चाहता है। संतों ने जाकर रामानंद जी को यह संदेश कह सुनाया। गुरु रामानंद जी ने कहा, उनसे जाकर कहना कि जब उनका पुत्र 18 वर्ष का हो जाएगा वे आ जाएं। 18 वर्ष का पुत्र हुआ, उसका राज्याभिषेक किया, राजा रानी के संग आश्रम में पहुंच गया और राजा पीपा अब भक्त पीपा बन गया, अपने गुरु के चरणों में उनकी सेवा में संलग्न हो गया और उनका नाम गुरु रामानंद जी के शिष्यों के साथ प्रसिद्ध हो गया, अमर हो गया, भक्तों की श्रेणी में आ गया। कितनी सुंदर और मार्मिक घटना है इसी वाराणसी की, इसी काशी की धरती की। क्या हमने कुछ सीखा इससे? गुरु रामानंद जी ने राजा पीपा को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए एक लीला को रच दिया, संतों को भेजा भिक्षाटन के लिए, संतों से जाकर कहा, जाओ राजा पीपा की सेवा को स्वीकार करो और उस तक संदेश पहुंचा दो। सजनों, एक भिखारी भी भीख मांगता है और एक संत भी भिक्षाटन करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक भिक्षुक द्वार द्वार जाता है, उसका स्वार्थ है, लेकिन संत भी द्वार द्वार जाकर अलख जगाते हैं, वो कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए द्वार खटखटाते हैं। जब भी संत याचना करते हैं, जब भी संत आकर पुकार करते हैं, आवाज लगाते हैं, तो उनकी आवाज के पीछे केवल मानव का कल्याण छिपा होता है और कुछ नहीं। वे मानव को भगवान से जोड़ने आते हैं और भगवान की कृपा से आते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण आता है इसका। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना है आपने?
विवेकानंद जी के गुरु हुए, परफेक्ट मास्टर हुए, माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे। ऐसे उपासक थे कि जब भी माँ का स्मरण करते, माँ को याद करते, माँ काली उनके समक्ष प्रकट हो जाया करती थी। लेकिन एक दिन द्वार पर आए संत तोतापुरी, पुकार उठी द्वार पर, अलख जगा दी। रामकृष्ण परमहंस बाहर आए, संत तोतापुरी जी कहने लगे, क्या अपनी माँ से मिलना चाहता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं तो रोज मिलता हूँ, जब माँ का स्मरण करता हूँ माँ प्रकट हो जाती है। तोतापुरी ने कहा, नहीं, इस रूप में नहीं, उसके शाश्वत रूप में, उसके तत्व रूप में उसे देखना चाहता है। वो ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है, वो तेरे अंतस में बसी है। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने सुना, कहने लगे, मैं तो अपना हर कार्य माँ से पूछकर करता हूँ, अगर मुझे ये कार्य भी करना है तो पहले माँ से पूछना होगा। संत तोतापुरी जी ने कहा, ठीक है, पूछ ले अपनी माँ से, अगर तेरी माँ भी हाँ करती है, स्वीकृति देती है, तो आजा मेरी शरण में, मैं तुझे तेरी माँ के तत्व रूप से जोड़ दूंगा। संत तोतापुरी जी आवाज लगाकर संदेश देकर चले गए। रामकृष्ण परमहंस भीतर गए, माँ काली के समक्ष अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, माँ प्रकट हो, माँ प्रकट हो। रामकृष्ण की भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि माँ अपने आप को रोक नहीं पाती, उससे आना पड़ता। और जैसे ही माँ भगवती प्रकट हुई, माँ काली प्रकट हुई, तोतापुरी जी ने कहा, माँ जानती हो, आज द्वार पर एक संत आए थे, उनका नाम था तोतापुरी। उन्होंने कहा, अगर माँ के दिव्य स्वरूप को देखना है, ज्योति स्वरूप को देखना है, तो मेरी शरण में आ जा। माँ ने जानते हैं क्या कहा? माँ ने कहा, रामकृष्ण विलंब मत कर, जल्दी से जाकर गुरु से दीक्षा ले ले। रामकृष्ण ने कहा, अगर मुझे गुरु के पास ही जाना था तो इतने वर्षों तक जो तेरी भक्ति पूजा उपासना की, उसका लाभ क्या हुआ? माँ काली ने कहा, रामकृष्ण, यूं तो इस जगत में बहुत से गुरु हैं, कोई झूठा है, कोई सच्चा है। तुझे गुरु ढूंढने के लिए, सच्चा गुरु ढूंढने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ा। तू मेरी भक्ति से जुड़ जाए, तू मेरे दर्शन से जुड़ जाए, इसलिए सच्चा संत तेरे द्वार पर चलकर आया है। यही मेरी भक्ति का फल है जो आज मैंने तुझे प्रदान किया है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करी जेहि। रामचरित मानस लिखती है कि जब जब राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, हमारी भक्ति का फल हमें मिलता है, और सच्चा संत हमारे द्वार पर आकर हमें भगवान से मिलने का संदेश देता है। सज्जनों, संत आते हैं द्वार पर, पुकार लगाते हैं, इसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं, इसमें उनका परमार्थ होता है। वो आपको जोड़ने आते हैं, आपको भगवान से मिलवाने आते हैं। यही पुकार उठी है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आवाहन करते हैं आप सभी का, आप सभी ने भगवान की जितनी भी पूजा उपासना की है, उन सब का फल मिल चुका है आपको। पूर्ण सद्गुरु ने आकर आपके इस काशी में आपको पुकार दी है कि आओ और आकर भगवान का दर्शन करो, भगवान को तत्व रूप से जान लो। यही इस जीवन का लक्ष्य है, और इसीलिए संत पुकार करते हैं, इसलिए संत द्वार द्वार तक जाते हैं और अलख जगाते हैं। गुरु रामानंद जी के एक और शिष्य हुए, नाम है कबीर। आप जानते हैं क्योंकि ये भूमि कबीर की भूमि भी रही है। हमारे कबीर दास जी जो अनपढ़ जान पड़ते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान जो प्राप्त है, उसके सामने सब फीका है। संतों ने जो भी कार्य किया है इस जगत में, उस हर कार्य के पीछे मानव का कल्याण ही छिपा है। संत कबीर भी जन जन तक अपनी सरल वाणी में भगवान का प्रचार प्रसार करते, मानव को समझाते। एक बार उन्हीं की
नगरी में रहने वाला एक व्यक्ति था, नाम था सर्वजित। बड़ा विद्वान था, बड़ी शिक्षा अर्जित करके आया था और आके अपनी माँ से कहता है, माँ आज तुझे अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए, देख तेरा पुत्र कितना बड़ा विद्वान बन गया है। माँ ने कहा, तुझे तब विद्वान मानूंगी अगर तू कबीर को पराजित कर दे। सर्वजित ने सुना इतनी सी बात, कहने लगा अभी पराजित करके आता हूं। पहुंच गए कबीर की कुटिया में और कबीर जी से कहते हैं, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, मेरे साथ ज्ञान की चर्चा करो, तर्क वितर्क करो। कबीर जी ने कहा, ना मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, मैं तो नीरा अनपढ़ हूं, अनपढ़। सर्वजीत ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी हार स्वीकार करते हो? कबीर जी ने कहा, हाँ स्वीकार करता हूं। सर्वजीत ने कहा, तो इस कागज पर लिख कर दे दीजिए, मैं अपनी माँ को दिखा दूंगा, विश्वास कर लेगी। कबीर जी ने कहा, मैं अनपढ़ हूं, पढ़ना लिखना नहीं जानता, तू ही लिख दे, मैं अंगूठा लगा दूंगा। सर्वजित ने कागज लिया और उस पे लिख दिया, सर्वजित जीता कबीर हारा। अंगूठा लगाया कबीर जी ने, लेकर पहुंच गया माँ के पास, माँ देखो कागज, तेरे बालक ने कबीर को भी हरा दिया। लेकिन जब माँ ने कागज खोला, उस पर क्या लिखा था? सर्वजित हारा, कबीर जीता। उसने जैसे ही ये पढ़ा, उसके होश उड़ गए, वापिस दौड़ा उल्टे पैर, कबीर जी से कहा, देखो इस पे क्या लिखा है। कबीर जी ने कहा, अरे तूने ही तो लिखा है, मैंने तो केवल अंगूठा लगाया है। उसने फिर से लिखा, सर्वजित जीता, कबीर हारा, और फिर अंगूठा लग गया। वापिस माँ के पास पहुंचा, शब्द फिर बदल गए। माँ ने कहा, तू कबीर को समझा नहीं है, वापिस जा। कबीर जी के पास आए, कहने लगे, ये क्या है, आप क्यों नहीं मेरे साथ शास्त्रार्थ करते, क्यों नहीं आप मेरे संग तर्क वितर्क करते? कबीर जी कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। अरे तू तो कागज पर लिखे हुए शब्द पढ़कर आया है और मैं अपने जीवन के अनुभव से बात करता हूँ, इसलिए तेरे संग मैं तर्क कुतर्क नहीं कर सकता। उस समय संत कबीर जी सर्वजित को समझाने के लिए और उसके माध्यम से हमें समझाने के लिए एक बहुत सुंदर भजन की रचना करते हैं। आइए श्रवण करते हैं उन भजन को। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे।
तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए। हाँ तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे।
क्या सुंदर। कबीर दास जी ने अपने शब्दों में उस सत्यता को बांध दिया जिसे सर्वजित समझना नहीं चाह रहा था, पहचान नहीं पा रहा था, जानता नहीं था। तर्क और कुतर्क से ऊपर भगवान के डायरेक्ट दर्शन की बात कर रहे हैं कबीर दास जी, और वो सीमित बुद्धि के दायरों में बंधा हुआ मानव केवल भगवान की चर्चा करना चाहता है, ग्रंथों की चर्चा करना चाहता है। कबीर दास जी ने समझाया कि मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहा हूं, ये तर्क और कुतर्क से भी ऊपर है, इसलिए मेरी शरण में आ जा और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले, भगवान के दर्शन को प्राप्त कर ले। हर तर्क हर कुतर्क सब खत्म हो जाएगा जब उसका प्रत्यक्ष दर्शन तुझे मिल जाएगा। कबीर दास जी ने मार्ग दिखाया, केवल सर्वजित को नहीं हर एक मानव को दिखाया जो उनके संपर्क में आया। वे जहां जहां गए अपनी दिव्य वाणियों के माध्यम से, दिव्य भजनों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उन्होंने सदैव मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में बोला, सद्गुरु की महिमा को गाया, प्रेरणाएं हमें दी ताकि हम समझें, हम जानें कि किसके लिए जीवन मिला और क्या करना है जीवन में। बहुत सुंदर उनकी एक उक्ति आती है, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, के ही कारण तुम भरमत डोलो, तंतज कहां बसेरा। इंसान से, आप से, हम से प्रश्न करते हैं, कभी प्रश्नों के माध्यम से, कभी दोहों के माध्यम से, कभी भजनों के माध्यम से। कबीर जी ने हमारा मार्ग दर्शन किया है, यही होती है संत की भूमिका। इसलिए संत महापुरुष धरा पर आते हैं और आकर पुकार लगाते हैं, द्वार पर अलख जगाते हैं कि इंसान उठो, जागो और अपने जीवन के मार्ग की ओर बढ़ो, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ो, उस ब्रह्म ज्ञान को पालो, जो ब्रह्म ज्ञान मिलते ही जिंदगी संवर जाएगी। कुछ लोगों के मन में प्रश्न है, कहते हैं कि हमने तो सुना है ब्रह्म ज्ञान को पाना बड़ा दुर्लभ है, तो आज ये ब्रह्म ज्ञान इतना सरल कैसे हो गया? गुरु के पास जाएं, जाकर दीक्षा लें और ब्रह्म ज्ञान मिल गया। हमने तो सुना है योगी ऋषि महर्षि करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, तब भगवान का साक्षात्कार होता था, ब्रह्म ज्ञान मिलता था, आज ये इतना सुलभ और सरल कैसे? सज्जनों, उसके पीछे कारण जानते हो क्या है? मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को पाना आसान नहीं है, कई वर्षों तपस्या करनी पड़ती है और गुरु भी शिष्य को ज्ञान प्रदान करने से पूर्व पहले परीक्षा लिया करता था। सज्जनों, अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कई बार अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमें वहां बैठना भी पड़ता है, इंतजार भी करना पड़ता है, डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, दवाई प्रिस्क्रिप्शन पर लिख कर देता है, मैं मार्केट जाकर दवाई लेनी पड़ती है, पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर कहीं महामारी फैल जाए तो क्या होता है? तब इंसान रोगी डॉक्टर के पास नहीं जाता, तब रोगी नहीं डॉक्टर रोगी के पास पहुंचता है। जगह जगह पर डॉक्टर कैंप लगाते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, जल्दी जल्दी डॉक्टर इलाज करता है लोगों का और फ्री में दवाइयां बांटता है, ऐसा ही होता है। सज्जनों, इस कलयुग में, घोर कलयुग में अज्ञानता रूपी महामारी फैल चुकी है, विषय वासनाओं में, संसार के आकर्षणों में, अज्ञानता के बंधनों में इंसान बंधा है। ऐसे इंसान से उम्मीद रख सकते हैं कि उठकर भगवान को पाने के लिए इतनी मेहनत करेगा? नहीं। इस महामारी की स्थिति में से इंसान को उबारने के लिए भगवान इस धरा पर संतों को भेजता है, जाओ जाकर इस ज्ञान को सुलभ कर दो और इस ज्ञान के प्रकाश में मानव की अज्ञानता को दूर कर दो। इसलिए सज्जनों, ये ज्ञान सुलभ है और सरल है, लेकिन अभी भी आप अज्ञानता के बंधन में बंधे हुए हो,
कोई अपनी मान्यताओं में जकड़ा है, कोई अपने विश्वास में जकड़ा हुआ है, कोई अपनी धारणाओं में जकड़ा है। समय है, समझिए, विवेकी बनिए, मननात इति मनुष्यः, मनन कीजिए और सही मायने में मनुष्य बनकर दिखाइए, भगवान की संतान बनकर दिखाइए। संतों ने जो पुकार उठाई, संतों ने जो आवाहन दिया है, उस आवाहन पर मनन करो और सोचो, भगवान में और हम में दूरी इस कारण से है क्योंकि हम कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। बांके बिहारी तो मिलने आया है, संत ने आकर भी आवाज दी कि मेरे पास आ, मैं मिलवा दूंगा, लेकिन अगर हम द्वार खोलकर बाहर नहीं जाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो कृपा कैसे पाओगे? कृपा पानी है तो पुरुषार्थ करना बाकी है, अब वो पुरुषार्थ करो और कृपा पाओ। यही संत समझाने, पुकार लगाने द्वार द्वार आते हैं और अलख जगाते हैं। राजा पीपा के द्वार पर संत आए, जीवन बदल गया और राजा पीपा भक्त पीपा बन गए। ये कहानी है इस वाराणसी की, गंगा नदी के तीरे की। अगर काशी निवासी हो तो इस धरा के भीतर जो कहानियां कथाएं लिखी गई हैं, उसे अपने जीवन की भी कहानी बना लो, उसे अपने जीवन की भी कथा बना लो, तो देखना जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बार बाबा विश्वनाथ को हृदय में बसा कर तो देखो, उतार कर तो देखो। हमारे बांके बिहारी केवल द्वापर युग के मानवों के लिए लीलाएं नहीं की हैं, कलयुग भी हर एक मानव भी उससे सीख पाए, इसलिए व्यास जी ने इस ग्रंथ के भीतर कृष्ण की लीलाओं को समाहित कर दिया, लिख दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चली, रुक्मणी जी के संग विवाह हुआ और उसके बाद कितनी ही उनकी पटरानियां बनी, 16,100 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण भी करना पड़ा क्योंकि उन्हें भौमासुर की कैद से मुक्त करवाया। और जब उन कन्याओं को समाज के भीतर लाए, कोई भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं था, उस समय हमारे प्रभु ने उन्हें शरण दी, उन्हें स्वीकार किया, इसलिए नारी उद्धारक कहलाए। हमारे प्रभु धर्म के संग हैं, इसलिए पांडवों के शिविर में जाकर सम्मिलित हुए हैं। समय कुछ ऐसा आया जब संपूर्ण आर्यवर्त दो हिस्सों में बट गया, एक और थे अधर्मी दुर्योधन दुशासन और दूसरी ओर थे धर्म से संयुक्त पांडव, और उनके जो मजबूत स्तंभ बने वो थे कृष्ण। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्ताव रखा कि पांडवों को और अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल मात्र 5 गांव दे दें, वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के राजा थे, महाराजा थे, जिनका दायित्व था, जिनका कर्तव्य था कि वह अपने राजकुमार को दुर्योधन को सही मार्ग दिखाते, लेकिन मोह से पीड़ित थे। दुर्योधन के मोह के कारण वे सच्चाई को देख ही नहीं पाए, कृष्ण के इन वचनों को समझ ही नहीं पाए। भगवान कृष्ण ने प्रस्ताव रखा लेकिन महाराज धृतराष्ट्र कुछ कह नहीं पाए। उसी सभा में बैठा है दुर्योधन, अपने आवेश पर नियंत्रण नहीं रख पाया, अपने आसन से उठा, कहने लगा, धर्माचरण का ढोल पीटने वाले उन पांडवों से कह दीजिएगा, अरे 5 गांव क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी उन्हें भूमि नहीं मिलेगी। उन्हें कहिए अगर वे मुझसे राज्य चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आकर पहले युद्ध करें, युद्ध। युद्ध के बिना उन पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। दुर्योधन अज्ञानी है, मूढ़ बुद्धि है। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए लेकिन उस मूर्ख ने कृष्ण को ही बांधने का प्रयास कर लिया। लेकिन क्या कोई कृष्ण को बांध पाया है? क्या अभिमान के बंधनों में भगवान कभी बनते हैं? उन्हें तो प्रेम से बांधा जाता है, वो तो प्रेम भाव को स्वीकार करते हैं।
भगवान कृष्ण वहां से चले गए और तब आरंभ हुआ महायुद्ध। जैसे ही आरंभ हुआ महाभारत का विनाशकारी युद्ध, देखते ही देखते 100 कौरव विनाश को प्राप्त हो गए। 18 दिनों में युद्ध पूर्ण हो गया और जिस समय सभी कौरवों का अंत हुआ, युधिष्ठिर सभी पांडव मिलकर पहुंच गए धृतराष्ट्र और माता गांधारी के पास। माता गांधारी ने इच्छा व्यक्त की उस युद्ध भूमि पर जाने की और तब कृष्ण के संग पांडव भी गए और धृतराष्ट्र और माता गांधारी भी गई। माता गांधारी अपनी पुत्र वधुओं को भी संग लेकर गई। उस विनाशकारी लीला को देखकर जहां रक्त की नदियां बह रही थी, जहां पर केवल शव कटे हुए पड़े हुए थे, उस विनाशकारी दृश्य को देखा माता गांधारी की जो बहुएं थी, जो पुत्र वधुएं थी, वो चित्कार कर उठी, हा देव हा देव। माता गांधारी पहले से ही अपने पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थी और जब पुत्र वधुओं का क्रंदन सुना, अपने आवेश को रोक नहीं पाई और आवेश में आकर कृष्ण को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, ये सारा विनाश केवल तुम्हारे कारण से हुआ है। तुम चाहते तो इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने पांडवों का साथ दिया और सभी कौरवों का अंत किया है। ये गांधारी आज श्राप देती है तुम्हें, जिस प्रकार आज सारे भरतवंशियों को इस प्रकार इस महाविनाश का मुख देखना पड़ा, आज से ठीक 36 वर्ष के पश्चात सभी यादव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और समस्त द्वारिका वासियों को दुख के सागर में डूबना होगा। ये गांधारी का श्राप है। माता गांधारी ने श्राप दिया, लेकिन कृष्ण के अधरों पर अभी भी मुस्कान है। कह रहे हैं, माँ, हे देवी, आप मुझे जान नहीं पाई, आप मुझे पहचान नहीं पाई। इस महाभारत के युद्ध भूमि में अगर कोई पराजित हुआ है तो वो भी कृष्ण है, अगर कोई घायल हुआ है तो वो भी कृष्ण है, अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो वो भी कृष्ण है, अगर कोई विजयी हुआ है तो वो भी कृष्ण है। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थित, अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। मैं ही तो संपूर्ण भूत प्राणियों के भीतर विराजमान हूँ। हे देवी, आप मुझे पहचान नहीं पाई, परंतु फिर भी मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। इधर माता गांधारी ने श्राप दिया और उधर यादवों के कुछ उद्दंड बालक पिंडारक नामक क्षेत्र के पास ही कुछ संत महात्मा जन बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन्होंने एक व्यंग्य किया, एक अभिनय किया उन संतों के सामने। जाम्बवती नंदन सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण करवा दिया और अभिनय करते ठिठोली करते संतों के पास ले गए। संतों से जाकर कहते हैं, प्रणाम, जरा बताइए कि इसके गर्भ से कौन जन्म लेगा, बालक या बालिका, पुत्र या पुत्री। संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वे जान गए कि ये बालक हमसे ठिठोली कर रहे हैं। आवेश में आकर कहा कि इसके गर्भ से ना ही बालक जन्म लेगा ना ही बालिका, इसके गर्भ से एक मूसल प्रकट होगा जो समस्त यादवों का अंत कर देगा। घबराए हुए बालक जब बाहर आए, उसे खोला गया तो सच में से उसमें से एक मूसल प्रकट हुआ। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सागर की लहरों में फेंक दिया गया। एक बड़ा सा लौह का टुकड़ा जिसे मछली ने खाया, मछुआरों पर गई, उसे काटा गया तो उसमें से एक लौह का टुकड़ा निकला। वहीं पास में जरा नामक व्याद खड़ा था, उसने देखा तो अपने बाण की नोक पर सजा लिया। छोटे छोटे टुकड़े सागर की लहरों के संग बहकर आए और आकर किनारे पर एरक नामक घास में परिवर्तित हो गए। यादवों के अंत की पृष्ठभूमि तैयार है। माता गांधारी ने श्राप दिया 36 वर्ष। 36 वर्ष तो मानो पलक झपकते ही बीत गए। भगवान कृष्ण अपने कक्ष में बैठे हैं, वहां आगमन होता है भगवान शिव, ब्रह्मा जी और संकादि मुनियों का।
सभी ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया, हे नारायण, हमने ही आपसे कहा था कि ये द्वापर युग आपको बुला रहा है, इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कीजिए। आपने आकर यहाँ पर बहुत सी लीलाएं की हैं, अब अपनी लीलाओं को समेटिए नारायण, हमारे संग वापस चलिए प्रभु, हमारे संग वापस चलिए। जो ही कृष्ण ने सुना, कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हम पहले ही सोच चुके हैं, इसलिए आप हमारी इच्छा के अनुरूप ही यहाँ आए हैं। अब शीघ्र ही इन समस्त यादवों का अंत होगा और हम अपनी लीला को समेटकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही प्रभु ने आश्वासन दिया, सभी देव वापस लौट गए। देखते ही देखते द्वारिका नगरी में उत्पात होने लगा, चारों ओर ऐसा तांडव होने लगा कि सभी यादव मिलकर कृष्ण के पास आए, आकर प्रभु से कहते हैं कि द्वारिका में नित्य कोई ना कोई उत्पात हो रहा है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब हमें लगता है कि हमें प्रभास क्षेत्र चलना चाहिए, अपने रथों को सज्ज कर लो, हम कल प्रभात होते ही यहां से निकलेंगे। सभी यादव जाकर अपनी तैयारियां करने लगे, अपने रथों को तैयार करने लगे। इस दृश्य को ऊधो ने देखा, जैसे ही जाकर यादवों से पूछा कि क्या हो रहा है, ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण, बलदाऊ और सभी यादव प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऊधो दौड़ते हुए गए कृष्ण के पास, कृष्ण के नेत्र मूंदे हैं और वो बैठे हुए हैं। ऊधो जाकर अपने प्रभु के चरणों में गिर गए, अपने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और जो शीश आज उनके चरणों में झुका है वो उठ ही नहीं पाया। कृष्ण के नेत्र खुले, चरणों में झुके हुए ऊधो को देखा, अपने सखा को देखा, कहने लगे, ऊधो क्या हुआ, इस प्रकार व्याकुल क्यों जान पड़ते हो। ऊधो ने अपना मुख ऊपर उठाया, अपने प्रभु की ओर देखा, कहने लगे, ये सब यादव कहाँ जा रहे हैं, क्या आपने इन्हें आज्ञा दी है प्रभास क्षेत्र जाने की। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊधो याद नहीं, माता गांधारी का श्राप याद नहीं, संतों का श्राप याद नहीं, 36 वर्ष बीत चुके हैं, समस्त यादवों का अंत होगा, मैं भी तो यादव हूं, मेरा भी अंत सुनिश्चित है, इसलिए हम सब प्रभास क्षेत्र जा रहे हैं। ऊधो ने कहा, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो आप माता गांधारी के श्राप को असफल कर दीजिए, उसे अस्वीकार कर दीजिए ना प्रभु। भगवान कृष्ण कहने लगे, ऊधो जिन जिन के भी कार्य समाप्त हो चुके हैं, महाकाल उन्हीं की अंगुली पकड़ने आए हैं, समस्त यादव अपने कार्यों को पूर्ण कर चुके हैं, अब इनके देह कर्म समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब इन्हें महाकाल की अंगुली पकड़कर जाना ही होगा, अब यादवों का अंत सुनिश्चित है। ऊधो ने ज्यों ही सुना, कहने लगा, ठीक है प्रभु, मैं भी चलता हूँ, जाकर अपनी तैयारी करता हूँ प्रभास क्षेत्र जाने के लिए। जैसे ही ऊधो अपने स्थान से उठने लगे, भगवान कृष्ण ने ऊधो के हाथ को पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया, कहने लगे, ऊधो नहीं, प्रभास क्षेत्र का भावी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, ऊधो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। ऊधो ने ये सुना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे कृष्ण, मेरे सखा मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर रहे हैं। हंसने लगा, हंसते हुए कहने लगा, प्रभु ठिठोली कर रहे हो, बाल्यकाल से आपकी ठिठोली करने की आदत है ना, आज अपने ऊधो के संग ठिठोली कर रहे हो, आज उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर रहे हो, मैं जानता हूं कि ये मात्र आपकी एक ठिठोली है, आप मुझे संग लेकर ही जाएंगे, मैं जाता हूं और तैयारी करता हूं। जैसे ही ऊधो फिर से जाने को तैयार हुए, भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं ऊधो, तुम मेरे साथ प्रभास क्षेत्र नहीं जाओगे, तुम्हारा कर्म अभी शेष है, जिसका ज्ञान तुम्हें समय आने पर हो जाएगा, अभी तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। ऊधो ने अपने प्रभु की ये बात सुनी,
उसके कानों को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सखा, मेरे श्याम, मेरे प्रभु मुझसे कहते हैं कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। प्रभु के चरणों में गिर गया, कहने लगा, प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इस ओधो का कृष्ण के बिना अस्तित्व ही क्या है? मेरा अस्तित्व केवल आपसे है प्रभु, आपसे है। मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये भक्ति, ये प्रेम, सब कुछ आपसे ही तो पाया है। तो कृष्ण विहीन इस जीवन की कल्पना उद्धव कैसे कर सकता है? आपको याद नहीं, मैं तो ज्ञान के अभिमान में चूर चूर था। आपने मुझे वृंदावन भेजा, अपनी गोपियों के पास भेजा, अपनी राधा के पास भेजा, और जाकर मुझे वहां पर प्रेम का पाठ सिखाया, मुझे अपने ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा, और आज आप ये कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। नहीं श्याम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। कृष्ण ने अपने नेत्र खोले, उद्धव की ओर देखा, कहने लगे, उद्धव ये हमारी आज्ञा है, और गुरु की आज्ञा को धारण करना शिष्य का धर्म होता है। जाओ, तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, प्रभास क्षेत्र का भावी तुम्हारे लिए नहीं है। अब उद्धव के पास कोई विकल्प नहीं था, गुरु ने आज्ञा दे दी, शिष्य को धारण करना पड़ा। उद्धव अपने कृष्ण को विदा देकर उस कक्ष से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उल्टे कदम चल रहे हैं। नेत्र कह रहे हैं, देख लो इसे, फिर मौका नहीं मिलेगा इसे देखने का। अपने श्याम को देखते हुए, अपने प्रभु को देखते हुए एक एक पग पीछे जा रहा है। बड़ा स्नेह है उसकी आंखों में, और हृदय में एक भाव है, अभी मेरे श्याम कहेंगे, रुक जाओ उद्धव, रुक जाओ, तू मेरे साथ जाएगा, तू मुझसे अलग नहीं, उद्धव तू मुझसे अलग नहीं। लेकिन कृष्ण की आंखें मुंद चुकी हैं, उनके अधर, उनकी वाणी शांत है। उद्धव दौड़ते हुए वापस पहुंच गए कृष्ण के पास, कृष्ण के चरणों को कसकर पकड़ लिया, और अपनी आंखों से बहते अश्रु से अपने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। कृष्ण ने अपने नेत्र खोले, आज उन नेत्रों में भी पानी था, आज वो नेत्र भी नम थे। अगर शिष्य अपने गुरु से विलग नहीं हो सकता, तो गुरु भी शिष्य से विलग नहीं हो सकता। उद्धव ने कहा, प्रभु आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मांग लूं? भगवान कृष्ण ने कहा, मांगो। प्रभु की पादुकाओं की ओर इशारा करते हुए उद्धव ने कहा, प्रभु क्या मैं इसे ले जाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा, ले जाओ। उद्धव ने कृष्ण की पादुकाओं को उठाया और शीश पर रख लिया। एक एक पग उल्टा जा रहा है, अपने नेत्रों से कह रहा है, इन नेत्रों ने सदैव कृष्ण को देखा है, मेरे ये नेत्र कृष्ण का दर्शन किए बिना सूने हो जाएंगे। मेरे श्याम, मेरे सखा, आपके बिना इस उद्धव का कोई अस्तित्व नहीं है, आपके बिना इस उद्धव का कोई जीवन ही नहीं है, और आप कहते हैं कि मैं प्राणों से विहीन इस देह के बोझ को वहन करूं? असंभव है प्रभु, असंभव है। एक एक कदम पीछे जा रहा है, और जैसे ही द्वार की दहलीज आई, पादुकाओं को हृदय से लगाया और अपने कक्ष की ओर दौड़ गया। कक्ष में जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसे लगा, हो सकता है ये कोई स्वप्न हो, और जब सुबह मेरी आंखें खुले तो कृष्ण मेरे पास में हो। प्रभु का स्मरण करते करते ही रात्रि बीत गई। जब भोर हुई, उठकर खड़ा हुआ, खिड़की से झांका, सारे यादव जा रहे थे, संग कृष्ण थे।
उधो दूर से चिल्लाया, प्रभु रुक जाइए, प्रभु रुक जाइए, अपने उधो को लेते जाइए, प्रभु अपने उधो को लेते जाइए। कृष्ण ने उधो की आवाज को सुना, लेकिन अनसुना करके आगे बढ़ गए। लेकिन उधो के लिए उसका जीवन वहीं रुक गया। अपने श्याम से कहता है, श्याम आप तो मेरे सखा हो, मेरे प्रभु हो, मेरे गुरु हो, मेरे सर्वस्व हो, अब आपके बिना मैं ये जीवन कैसे जीऊंगा, प्रभु कैसे जीऊंगा, किसे देखूंगा, किसे देखकर जीऊंगा, प्रभु किसे देखकर जीऊंगा। इन आंखों के लिए अब कुछ भी देखना शेष नहीं है, प्रभु कुछ भी देखना शेष नहीं है। श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा, श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा, श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा, तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन का रखवाला, तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन का रखवाला, प्रिय श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा, श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा। अंधियारे अंतर में तूने अंतर ज्योत जलाई, अंधियारे अंतर में तूने अंतर ज्योत जलाई, अंतर तनिक न रखा बस गया अंतर बीच कल्हाई, मुझसे मुखरित होके मुख से कृष्ण कथा कहलाई, सब कुछ स्वयं किया और दे दी मुझको नाम बड़ा, बस भूले भटके जय श्री कृष्ण उचारा, मैंने तो
बस भूले भटके जय श्री कृष्ण उचारा प्रिय श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा सखा बनकर रहे मार्गदर्शन किया प्रेरणा दी चलना सिखाया जीवन के अंग संग बनकर रहे आज उद्धव को अकेला छोड़कर चले गए लेकिन प्रभु की आज्ञा है इसलिए उद्धव तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए। कृष्ण यादवों के संग प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर कुछ देर तो पूजा व्रत उपासना हुई
तदोपरांत सभी आपस में एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। नियंत्रित इंद्रियां अनियंत्रित हो गई, एक दूसरे पर अस्त्र और शस्त्र से प्रहार करने लगे यादव। सभी रिश्ते नाते धूमिल पड़ उठे। माता गांधारी का श्राप सफल होने जा रहा था। एक दूसरे पर प्रहार करते एक दूसरे को ही मारने लगे यादव। धीरे धीरे करते करते अस्त्र शस्त्र समाप्त हुए। सागर के तीरे जो एरक नामक घास लगी थी उसे उखाड़ लिया और देखते ही देखते वह बड़े बड़े मुदगलों में परिवर्तित हो गई। उसी के द्वारा समस्त यादवों का अंत हुआ। बलराम पहले ही अपनी देह को त्याग कर विलीन हो चुके थे। भगवान कृष्ण जो अविराम गति से चलते आ रहे थे और समस्त यादव उनके पांव के नीचे मृतक पड़े हुए थे, देख रहे हैं और सोच रहे हैं, महाभारत की युद्ध भूमि तो धर्म युद्ध था, लेकिन आज जो यहां हुआ है ये क्या है? भगवान कृष्ण चलते रहे और इन कदमों को जहां था मिली, जहां ये रुके, वो एक अश्वत्थ वृक्ष था जिसके सहारे लगकर कृष्ण बैठ गए। अपने घुटने के ऊपर उन्होंने अपनी पांव को टिका लिया और नेत्र मूंद लिए। भोर हुई, पक्षी चहचहाने लगे, लेकिन कृष्ण के नेत्र अब भी मूंदे हुए हैं। तभी एक व्याध ने अपने शिकारी पर बाण चलाया है और वो बाण आकर हमारे प्रभु के दाहिने पांव के तलवे में लग गया और उसमें से रक्त की धारा बह निकली। ज्यों ही कृष्ण ने अपने नेत्र खोले तो उनके पांव के तलवे में बाण लगा हुआ था और उसमें से रक्त बह रहा था। शिकारी जल्दी से झाड़ झंखार को दूर कर दौड़ता हुआ आ रहा था कि कहीं कोई उसके शिकार को ले ना जाए। जब भोर के उजाले में आकर उसने अपने शिकार को देखा जिस पर बाण चलाया था, तो चित्कार कर उठा, क्योंकि उसे पहचानने में देरी ना लगी। जिन्होंने पीले वस्त्रों को धारण किया है, माथे पर मोर पंख सजा है, ये एक और कोई नहीं द्वारिकाधीश है, ये तो साक्षात नारायण है। व्याध दौड़ता हुआ गया, इससे पूर्व कृष्ण के पांव पर लगे हुए बाण को खींचता। प्रभु ने निषेध में अपना हाथ उठा दिया, रहने दो। उस व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो अपने शिकार पर बाण चलाया था, लेकिन वो बाण आकर आपके पैरों में लग गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम जरा है। कृष्ण ने कहा, तुमने तो अपने नाम को सार्थक किया है, और वैसे भी यादवों का अंत तो माता गांधारी 36 वर्ष पूर्व ही कर चुकी है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। जरा क्या मेरा एक कार्य करोगे? जरा ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा दीजिए प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। कृष्ण ने कहा, जरा कुछ ही क्षणों में इस देह में जो रक्त है वो समाप्त हो जाएगा, मैं अपनी लीला को समेट लूंगा, मेरी इस देह को अश्वत्थ वृक्ष के सहारे यहीं रहने देना। मैं जानता हूं मुझे ढूंढते हुए कोई आए या न आए, लेकिन मेरा अर्जुन अवश्य आएगा। अर्जुन से कहना वृंदावन में राधा तक संदेश भिजवा दे। वृंदावन की भूमि को छोड़कर आने वाला इस भूमि को भी छोड़कर चला गया है। बोलो जरा, मेरी आज्ञा को पूर्ण करोगे? जरा ने कहा, अवश्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। इतने में ही कृष्ण ने कहा, कल्याणम अस्तु। जरा ने सुना कल्याणम अस्तु, कहने लगा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे ये आशीर्वाद मत दीजिए। अरे मैंने तो सुना है कि आपने सदैव ही अपने सुदर्शन चक्र से दुष्टों का विनाश किया है, उठाइए ना सुदर्शन चक्र, मुझसे बड़ा महापापी कौन होगा, मुझसे बड़ा अधम कौन होगा जिसने अपने प्रभु के प्राणों को ही हर लिया। नहीं प्रभु, नहीं,
ये दुनिया क्या कहेगी, ये संसार क्या कहेगा। मैं इस पाप के बोझ का वहन नहीं कर पाऊंगा प्रभु, वहन नहीं कर पाऊंगा। मैं जी नहीं पाऊंगा प्रभु, मैं जी नहीं पाऊंगा। उठाइए सुदर्शन चक्र, इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए, मेरा वध कर दीजिए प्रभु, मेरा वध कर दीजिए। कृष्ण कहने लगे, जरा तूने कोई पाप नहीं किया है, तू तो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। तेरी भावना शुद्ध है, तू मेरी लीला के निमित्त है बस। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। इतना कहते ही कृष्ण का हवा में ऊंचा उठा हुआ हाथ नीचे आ गया। हमारे प्रभु ने अपनी लीला को समेट लिया, इस धराधाम से चले गए। सभी देवी देवता आकाश में स्तब्ध खड़े हैं, प्रभु अपनी लीला को समेट रहे हैं, सभी प्रभु की इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। वे जानते हैं कि नारायण बार बार अवतार लेकर आते हैं धरती पर, मानव को लाभान्वित करते हैं अपनी लीलाओं से, और फिर एक दिवस आता है जब वे अपनी लीलाओं को समेट लेते हैं। हमारे प्रभु ने हमारी ही पुकार पर इस धरा पर अवतार लिया, और आज उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया है, अपने नेत्रों को मूंद लिया है, और अपने धाम की ओर जाने के लिए सज्ज हो उठे हैं। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, देवी देवता प्रभु का यशोगान कर रहे हैं, और प्रभु किस प्रकार अपनी लीला को समेटते हुए अपने धाम की ओर जाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण उसका बहुत सुंदर वर्णन कर रही है। विभूतिरात्मनो विभो संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीरय। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा धामाविशत्स्वकम्। दिविदुन्दुभयोनेदुः
समेटा स्वधाम गमन किया। जरा पश्चाताप और विलाप करता हुआ अर्जुन की प्रतीक्षा करता रहा। अर्जुन, जिसे पहले ही कृष्ण के सारथी दारुक ने संदेश दे दिया था कृष्ण का कि कृष्ण ने कहा है संपूर्ण द्वारिका नगरी अब अर्जुन के कंधों पर है। अर्जुन दारुक के संग रथ में बैठकर द्वारिका की ओर गया। सभी द्वारिका वासी आज अर्जुन को देखकर उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आया है। रुक्मणी जी सत्यभामा जी से मिला, वसुदेव और देवकी जी से मिला। सबसे मिलने के उपरांत अर्जुन चल दिया अपने प्रभु को ढूंढने। दारुक के संग रथ में बैठा पहुंच गया प्रभास क्षेत्र, जहां उसने अपने कृष्ण को देखा। जरा नामक व्याध ने कृष्ण का समाचार, कृष्ण का संदेश अर्जुन को दिया। भगवान कृष्ण के देह कर्मों को अर्जुन ने पूर्ण किया और राधा तक संदेश भिजवाना है इस चिंता से ग्रसित है। वापस द्वारिका नगरी आया। समस्त द्वारिका वासी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे नगरी के, अर्जुन के साथ जाने को सज्ज हैं। जैसे ही अर्जुन बचे कुचे द्वारिका वासियों को लेकर हस्तिनापुर जाने लगा, पीछे मुड़कर देखा तो जो सागर की लहरें सदैव द्वारिका नगरी के प्रक्षालन किया करती थी, आज उसने ऐसा अपना प्रभाव दिखाया, सारी की सारी द्वारिका नगरी सागर की लहरों में समाहित हो गई। अर्जुन इस दृश्य को देखते हैं और फिर पलट कर अपनी यात्रा पर अविराम बढ़ जाते हैं। द्वारिका वासी अब हस्तिनापुर वासी हो गए। मार्ग में भेंट हुई उद्धव जी से, जो तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उद्धव जी ने अर्जुन को देखते ही पूछा, कृष्ण कैसे हैं, मेरे प्रभु कैसे हैं, क्या प्रभु से भेंट हुई? तभी अचानक कहते कहते उसकी दृष्टि पहुंची द्वारिका वासियों पर। कहने लगा, अर्जुन ये द्वारिका वासी तुम्हारे संग कैसे? अर्जुन ने कहा, संपूर्ण द्वापर युग अब खत्म होने वाला है, द्वारिका नगरी सागर की लहरों में समाहित हो गई है, हमारे कृष्ण अपने धाम को वापस लौट गए हैं, उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया है। जो ही सुना उद्धव के मुख से बरबस फूटा, तो फिर वो कौन सा कर्म शेष है जिसके बारे में कृष्ण कह रहे थे? अर्जुन को तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला। कहने लगा, एक कर्म शेष है, कृष्ण की आज्ञा है कि राधा तक संदेश पहुंचा दे वृंदावन में कि कृष्ण ने अपनी लीला को समेट लिया है। जाओ उद्धव जी जाओ, आप तो पहले भी राधा से मिल चुके हो, जाइए जाकर राधा को संदेश दीजिए। उद्धव ने कहा, राधा से मैं नहीं मिल सकता, कैसे जाकर राधा से कहूंगा कि कृष्ण चले गए, मैं नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, उद्धव जी हमारे प्रभु की अंतिम इच्छा है, क्या इसे पूरी नहीं करोगे? अपने प्रभु की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उद्धव जी चल दिए वृंदावन नगरी की ओर, राधा जी से मिले, राधा जी को संदेश दिया और उस संदेश के बहाने जो प्रेम की पराकाष्ठा थी राधा के माध्यम से आज उद्धव जी ने पुनः जान ली। राधा जी को बार बार नमन किया, यमुना जी के जल को नमन किया, वृंदावन की माटी को नमन किया और अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण करते हुए और कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहे। यही होता है एक सच्चे शिष्य का धर्म।
गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, यही उद्धव जी ने किया। सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं 7 दिनों से, कहने लगे, परीक्षित क्या कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तुम्हारे मन में शेष है तो पूछ लो। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, नहीं गुरुदेव, नहीं, कोई जिज्ञासा शेष नहीं, कोई प्रश्न शेष नहीं, हर समाधान प्राप्त हो चुका है मुझे, एक अभिलाषा है। सुखदेव जी ने कहा, बोलो। परीक्षित ने कहा, आपने जो कथा सुनाई उसका जो सार तत्व मैंने समझा है वो है ब्रह्म ज्ञान, मुझे वो ब्रह्म ज्ञान दीजिए। उसी क्षण सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ज्ञान मुद्रा में बिठा दिया और उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसका तृतीय नेत्र खोल दिया और भीतर भगवान को प्रकट कर दिया, ब्रह्म ज्ञान से उपदेशित कर दिया। अपने घट के भीतर परीक्षित ने भगवान के दिव्य स्वरूपों का नजारा देखा, नेत्र खोले, सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। जो ज्ञान गोपियों और गोप ग्वालों को मिला, जो ज्ञान उद्धव और अर्जुन को मिला, जिस ज्ञान को जड़ भरत ने पाया, जिस ज्ञान को ध्रुव ने पाया, जिस ज्ञान को प्रहलाद ने पाया, आज वही ब्रह्म ज्ञान आपने मुझे प्रदान किया है, मैं धन्य हो गया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब तुम ध्यान साधना में लीन हो जाओ, शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि का श्राप सफल होगा, तक्षक नाग आएगा, लेकिन उससे पूर्व ही तुम अपनी आत्मा को इस देह से विलग कर लेना। गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी और वहां से प्रस्थान कर गए। परीक्षित अपने गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, यानी ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में लीन हो गए। श्रृंगी ऋषि का श्राप सफल हुआ और उसी समय आकर तक्षक नाग ने डस लिया परीक्षित को। परीक्षित की आत्मा तो परमात्मा से जुड़ी थी, जो देह थी वो वहीं खत्म हो गई और आत्मा परमात्मा से मिल गई और परीक्षित मुक्ति को पा गया, परीक्षित मोक्ष को पा गया। यही है सज्जनों परीक्षित के मोक्ष की गाथा। इस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन जो ये आयोजन किया गया है इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। अर्थात पहले ज्ञान को सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहती है, हर भक्त का जीवन चरित्र आपको क्या संदेश देता है, पहले उस संदेश को सुनिए, तदोपरांत ज्ञान पथ की ओर अग्रसर हो जाइए। जो ज्ञान परीक्षित ने सुखदेव से पाया वही ज्ञान आप भी मांग लीजिए, तब जाकर आपका यह यज्ञ पूर्ण होगा, यह यज्ञ संपन्न होगा। अगर परीक्षित की तरह 7 दिवस कथा सुनी है तो फिर परीक्षित की तरह अच्छे श्रोता भी बन जाइए, केवल सुनने मात्र तक सीमित ना रहें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, असंख्य बार इस बात को हम दोहरा चुके हैं कि केवल मात्र वो श्रोता मत बनिए जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। सज्जनों ऐसा नहीं है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के यहां आने से पूर्व आपने कभी श्रीमद् भागवत महापुराण को नहीं सुना होगा, सुना होगा, अनेकों बार सुना होगा, और हो सकता है आपने घर में इसे खोलकर पढ़ा भी हो, क्योंकि आप भगवान की संतानें हो, आप भगवान के भक्त हो, भगवान से प्रेम करते हो। लेकिन जो इस बार कथा सुनी है ये थोड़ी अलग है। अलग इसलिए क्योंकि अब हम आपको उधार धर्म की जिंदगी से नगद धर्म की जिंदगी की ओर ले जाना चाहते हैं। समझिए इन दोनों शब्दों के अर्थ को। उधार धर्म किसे कहते हैं? उधार आप जानते हो, हम किसी के पास जाते हैं, भाई साहब जरा 1,000 रुपए उधार देंगे, इसे कहते हैं उधार, किसी से लेकर आना।
हमने अभी तक उधार धर्म की जिंदगी जी है। हमने भक्त ध्रुव की गाथा सुनी, उसके एक्सपीरियंसेस सुने। हमने मीरा की वाणियां पढ़ी, मीरा के भजन गाए, वो उसके एक्सपीरियंस थे। हमने भक्त प्रहलाद की गाथा सुनी, वो उसका अनुभव था। हमने केवल उनकी कहानियां सुनी, उनकी जीवन चर्चा को सुना। हम उधार धर्म की जिंदगी जी रहे हैं, वो अभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हमने उधार लिया है उनसे। हम चाहते हैं आप उधार धर्म से नगद धर्म की ओर जाओ। जिस ज्ञान को नारद की कृपा से ध्रुव ने पाया, 4 से 5 वर्ष का बालक था लेकिन ब्रह्म ज्ञान को पा गया। आप में से यहां बैठे कितने लोग 40 के होंगे, 50 के होंगे, 60 के होंगे, क्या अभी तक भगवान को पाने की इच्छा नहीं जागी? जिस ज्ञान को प्रहलाद ने पाया और पिता की सारी यातनाओं को सह गया हंसते हंसते, वो ज्ञान आपको भी पाना है, ताकि आप भी जीवन के कष्टों को, जीवन की पीड़ाओं को, अपने कर्म संस्कारों को हंसते हंसते काट जाओ। सज्जनों, भक्तों की गाथाएं सुनी है, अब भक्त बनने का समय है। इतिहास आपकी गाथाओं को आने वाले समय में दोहराए, उसके लिए आपको आज भक्त बनना होगा, आपको नगद धर्म को पाना होगा। उठो, जागो, ये जागने का समय है, ये जागने की वेला है। भगवान आपको जगाने आया है, संत आपको बुलाने आया है। उठो काशी वासियों, उठो, अपनी मानसिकताओं, अपनी धारणाओं को छोड़ दो अब, और चलो भगवान को पाने, भगवान का ब्रह्म ज्ञान पाने। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उन्हीं की कृपा से, उनकी दया से आपने 7 दिन इस कथा को सुना है। श्री महाराज जी का विजन है मानव में क्रांति से विश्व में शांति। श्री महाराज जी सदैव कहते हैं कि विश्व में शांति लाने के लिए पहले हमें उसकी इकाई पर काम करना होगा। सज्जनों, क्या लगता है ये विश्व किससे मिलकर बना है? इस विश्व की सबसे छोटी इकाई है मानव, यानी आप। अगर इस विश्व में शांति लानी है तो उसके लिए हमें मानव में पहले क्रांति लानी होगी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। धीरे धीरे परिवार जुड़ेगा, परिवार से समाज जुड़ेगा, समाज से राज्य जुड़ेगा, राष्ट्र जुड़ेगा, और फिर एक दिन विश्व में भी शांति आएगी अगर मानव के घट के भीतर क्रांति आ गई। यही गुरुदेव का दिव्य स्वप्न है व दिव्य संकल्प है, और हम सभी शिष्य अपने गुरुदेव की आज्ञा से, उनकी इच्छा से, उनकी अनुकंपा से हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, इस कथा को बांचने वाले, इस कथा को आपके समक्ष रखने वाले, और सुंदर सुंदर भजन जो आपने मंच से सुने हैं, इनके पीछे हम में से किसी का कोई बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं। हम उस लाइट की तरह हैं जिसका कनेक्शन अगर जनरेटर से ना हो तो उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं, कोई प्रकाश नहीं। हम केवल गुरु के हाथों के यंत्र हैं। जो शक्ति काम कर रही है, जो बल काम कर रहा है, जो इस मुख से शब्द निकाल रहा है, वो पीछे से उनकी शक्ति आ रही है, उनकी दया है, उनकी कृपा है, तो आपके मध्य कथा को रखा है। सज्जनों, गुरुदेव की दया से हम सब ने अपने घट में भगवान को देखा है, इसलिए आपके पास संदेशा लेकर आए हैं कि जैसे हमारा जीवन बदला, हमने अपने जीवन में अपने प्रभु की शाश्वत भक्ति को पाया, हमने अपने जीवन के आनंद को पाया, इसलिए उस आनंद को हम आपके साथ बांटने आए हैं। आप सबको भी उसी आनंद में निमग्न करने आए हैं। काशी वासियों, ये समय है
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आह्वान है, आओ मिलकर इस समाज को सुंदर बनाएं। ये समाज रहने योग्य नहीं है, चारों ओर पापाचार है, कुरीतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को केवल बाहरी विचारों से दूर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो डिबेट्स होती हैं, काउंसलिंग होती हैं, कितना कुछ होता है, समाज बदल जाता। लेकिन नहीं सज्जनों, समाज के अंदर समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। इन समस्याओं को रोकने के लिए इसके मूल में जाना होगा, और हर प्रॉब्लम हर समस्या का मूल इंसान का मन है। इस मन को केवल ब्रह्म ज्ञान बदल सकता है और कोई उपाय नहीं। यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन कहता है चंचलम ही मनहा कृष्ण प्रमाथी बलवद्रिडम, हे प्रभु ये मन बहुत चंचल है, पल में दौड़ता भागता है और जाकर हमें पतन के द्वार की ओर ले जाता है, इसे कैसे रोकें? भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय विरागेन च गृह्यते, हे अर्जुन अभ्यास कर। किसका? ब्रह्म ज्ञान की, ध्यान साधना का अभ्यास कर, ये मन नियंत्रण में आ जाएगा, ये मन शांत हो जाएगा और ये समाज भी शांत हो जाएगा। सज्जनों यही युक्ति है, यही उपाय है, मन को केवल एक ही सॉल्यूशन चाहिए और वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ब्रह्म ज्ञान, जिसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको देने आया है। इसे लीजिए, जीवन में उतारिए, अपने मन को शांत करिए, अपने परिवार को शांत करिए, तो देखिए कितना आनंद आएगा। जब समाज में चारों ओर शांति होगी तो रहने का भी मजा आएगा। आओ सज्जनों, इस समाज के लिए कार्य करें, अपने परिवार के लिए कार्य करें, अपने स्वयं के जीवन के लिए कार्य करें, भगवान के भक्त बनने के लिए कार्य करें, उनकी शाश्वत भक्ति से जुड़ने के लिए प्रयास करें। आओ हम ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें। गुरुदेव के हम सभी शिष्य जिन्होंने गुरुदेव के मिशन में सहयोग देने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, हमारा संकल्प भी वही है जो हमारे गुरुदेव का संकल्प है, मानव में क्रांति से विश्व में शांति। हम अपने गुरुदेव से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हम आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जन जन तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमें शक्ति देना प्रभु, हमें बल देना, हम हर एक वीथी में जाकर हर एक द्वार को दस्तक देकर हर एक मानव के हृदय पर दस्तक दे पाएं और उसे ब्रह्म ज्ञान से पोषित कर पाएं। प्रभु हमें ऐसा बल देना, हमें ऐसी शक्ति देना। सभी शिष्यों का एक ही संकल्प है, गुरु का संकल्प पूर्ण हो, हमारे दिव्य गुरु का स्वप्न पूर्ण हो। और आज इन अंतिम क्षणों में गुरुदेव के सभी साधक हृदय में एक भावना को संजोए हुए, हृदय में एक संकल्प को संजोए हुए एक भजन का गायन करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप उनके भावों को, उनके संकल्प को समझेंगे और हमारे संग मिलकर इस समाज को सुधारने के लिए प्रयासरत होंगे। आइए उन सुंदर भावों को और उस संकल्प को भजन के माध्यम से सुनते हैं। लक्ष्य तो उनका विजित ही है, हमको निमित्त बनाया, राह के पत्थरों को उसने अनमोल Oh, 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 oh.
सौंप के उनको हम कार्य उसका कर जाए। आशुतोष ने दिया है अब सर दृढ़ संकल्प से बढ़ते जाए। विजित लक्ष्य के रीत बने कहीं होगा छूट न जाए। आशुतोष ने दिया है अब सर दृढ़ संकल्प से बढ़ते जाए। विजित लक्ष्य
बोलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गुरुदेव के संकल्प को पूर्ण करने हेतु हम काशी आए हैं, काशी वासियों से मिलने आए हैं, उनके हृदय के द्वार पर दस्तक देने आए हैं। संतों महापुरुषों की वाणियां सुनाकर, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर, परीक्षित को माध्यम बनाकर आप सबको मोक्ष का मार्ग दिखाने आए हैं, क्योंकि ये मोक्ष की नगरी है। काशी को मोक्षपुरी कहा जाता है, मुक्ति धाम कहा जाता है। अगर काशी वासियों को मुक्ति नहीं मिली तो यहां रहने का फिर लाभ क्या? इस कथा को सुना है तो इस कथा का मर्म आपको मोक्ष का मार्ग दिखाना ही है। अंतिम क्षणों में केवल व्यास जी ने जो सूत्र इसके अंदर छिपाया था उसे खोलकर सामने रखना चाहूंगी। महात्म्य के अंदर व्यास जी लिखते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः शीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवण कृते। उन्होंने लिखा कि इस कथा को सुनने से 7 दिवस में आपके हृदय की गांठें टूट जाएंगी, संशय खत्म हो जाएंगे, भ्रमों से मुक्त हो जाओगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रथम स्कंद में पहुंचे, वहां पहुंचकर लिखते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म निश्वरे, कि ये ग्रंथियां तब टूटेंगी, ये संशय तब छूटेंगे जब आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे, जब स्वयं से परिचित हो जाओगे। फिर पहुंचे हम भगवान कृष्ण और उद्धव के वार्ता पर, जहां भगवान कृष्ण भी उद्धव से यही कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः शीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। हे उद्धव, जिस समय तुम मुझको अपने भीतर जान लोगे, देख लोगे, साक्षात्कार कर लोगे, तुम्हारे जीवन की सारी गांठें टूट जाएंगी, सारे संशय भ्रम खत्म हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ही श्लोक में बार बार अंतिम पंक्ति को क्यों बदला गया? देखिए, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उसे ए बी सी डी सिखाया जाता है, लेकिन क्या उसे पूरी क्लास में पूरे वर्ष तक यही सिखाया जाता है? नहीं। जैसे ही वो ए बी सी डी सीख लेता है, उसके बाद उसे नाउन सिखाया जाता है, उसे वर्ड्स बनाने सिखाए जाते हैं, उसे पंक्तियां बनानी सिखाई जाती हैं, और एक दिन उसे इंग्लिश का पूरा ज्ञान हो जाता है। लेकिन आरंभ कहां से हुआ? ए बी सी डी। व्यास जी हमारी इसी मानसिकता से परिचित थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले लिखा कि 7 दिवस तक इस कथा को जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारी गांठें टूटेंगी। और सज्जनों, ये निश्चित है कि जिसने 7 दिन इस कथा को सुना है, इसके मर्म को सुना है, मर्म को समझा है, वो समझ चुका होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को देखना ही है। इसलिए व्यास जी ने अगले श्लोक में प्रथम स्कंद में लिख दिया कि अब तो समझ चुके होगे, अब तो जानो कि आत्मा का साक्षात्कार करना ही इस जीवन का धर्म है, दुख पीड़ा और व्याधि से मुक्ति का एक ही उपाय है, और वो है बांके बिहारी का दर्शन, वो है ब्रह्म ज्ञान, वो है सच्चा अध्यात्म। इसी आशा के साथ कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण के मर्म को समझोगे और जानोगे और उतारोगे, ये इस कथा का अंतिम दिवस है और अंतिम क्षण है। आशा करती हूं, अभिलाषा करती हूं कि काशीवासी मुक्ति धाम में जो रहते हैं, ये मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं, और उसके लिए ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाएं, अपने प्रभु का दर्शन करें, अपने प्रभु का साक्षात्कार करें। यही अभिलाषा
और प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, काशी धाम की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आइए अब हम मंगल आरती की ओर बढ़ रहे हैं। मंगल आरती हेतु और आइए हम मंगल आरती की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम आग्रह करते हैं इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री अरविंद भालोटिया जी, श्रीमती अनीता भालोटिया जी, कृपया मंच के निकट आएं। श्री छोटेलाल चौधरी जी, श्रीमती माधुरी चौधरी जी, रामनाथ चौधरी लान वाराणसी से, श्रीमान शशिभूषण सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्री हीरालाल अग्रवाल जी चेतमणि ज्वेलर्स से, और आज की प्रसाद की सेवा श्री मोहनलाल वर्णवाल जी, और हमारे बीच में अजय राय पूर्व विधायक कांग्रेस से हैं वाराणसी से, कृपया आप मंच के निकट आएं। श्री मनीष मरोलिया जी, श्रीमती संजू मरोलिया जी, श्री पीयूष अग्रवाल जी, नीता अग्रवाल जी, सुनील सुल्तानिया जी, श्रीमती सुमित्रा सुल्तानिया जी, रजनी शर्मा जी, विनोद भालोटिया जी, बैजनाथ भालोटिया जी, राकेश जायसवाल जी, सीमा जायसवाल जी, उमा जायसवाल जी, रमेश गोयल जी, नीलम रोनियार जी, मोहन रोनियार जी, नीलम पोद्धार जी, संजीव अग्रवाल जी, मदनलाल वर्णवाल जी, मोहन अग्रवाल जी, कृपया आप सभी मंच के निकट आएंगे मंगल आरती हेतु। आज के आरती में श्री सत्यनारायण झुंझुनवाला प्रसिद्ध व्यवसायी वाराणसी, दीनानाथ झुंझुनवाला प्रसिद्ध व्यवसायी, विनोद भालोटिया जी, नीतू भालोटिया जी वाराणसी से, सुरेश खेमका जी, उमा खेमका जी कलकत्ता से, रजनी शर्मा जी रक्षा भारद्वाज, सुमन कुमार सिंधी प्रसिद्ध साड़ी व्यवसायी वाराणसी, श्री ब्रिज भवन दास गुजराती, श्री बालकृष्ण वर्मा जे ई सुल्तानपुर, श्रीमती आरती सेठ किशोर न्याय बोर्ड सदस्य श्री ब्रिज भवन दास गुजराती जी, बालकृष्ण वर्मा जे ई सुल्तानपुर, श्रीमती आरती शेठ जी किशोर न्याय बोर्ड सदस्य वाराणसी, श्रीमती श्वेता उपाध्याय जी राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण वाराणसी, श्री मदनलाल वर्णवाल जी, श्री मोहनलाल वर्णवाल जी अध्यक्ष वर्णवाल सेवा समिति, श्रीमती निशिमा जी अध्यक्ष वर्णवाल महिला सेवा समिति वाराणसी, श्री शशांक अग्रवाल जी बिजनेसमैन वाराणसी, डॉक्टर एस पी पांडे जी MD MS BHU, श्री रामजी गुप्ता पंडित दीनदयाल सागर नगर जी, श्री छविलाल सेठ शिवपुर वाराणसी, श्रीमती सुशीला देवी जी शिवपुर से, श्री शैलेश श्रीवास्तव जी महमूरगंज वाराणसी से, श्री राधेश्याम ममता देवी वर्णवाल वाराणसी से, मीरा देवी रेणु देवी वर्णवाल वाराणसी से, देवी एवं अंकुर वर्णवाल जी गोपीगंज से, श्रीमती विभा मिश्रा जी महानगर मातृशक्ति संयोजिका उपाध्यक्ष हैं, श्री धीरज सिंह विश्व हिंदू परिषद महानगर वाराणसी, सुश्री यशी पांडे जी, प्रियंका पांडे जी एवं प्रगति मिश्रा जी, ममता मिश्रा जी चंदुआ से, श्रीमती रश्मि लखानी जी सपरिवार महमूरगंज से, एवं आज के दैनिक यजमान हैं श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं श्रीमती प्रियंका सिंह जी युवान्या एंटरप्राइजेस जौनपुर से, श्री हरिहर प्रसाद भोयाल जी एवं श्रीमती गोमा शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं नेपाल के काठमांडू से, श्री आनंद श्रीवास्तव एवं श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव जी वाराणसी से, श्रीमती भगवती देवी वंसल एवं श्री प्रदीप कुमार एवं श्रीमती कुसुम देवी जायसवाल जी, श्री रवि जायसवाल एवं श्रीमती ममता जायसवाल जी, डॉक्टर K.N. Rai एवं श्रीमती उमा राय जी, श्री राघव तिवारी जी एवं श्रीमती निशा तिवारी जी, श्री पंकज मिश्रा जी एवं श्रीमती सुमन मिश्रा जी, श्री छविलाल सेठ एवं श्रीमती सुशीला सेठ जी, श्रीमती रमेश चंद्र साहू एवं श्रीमती रीता साहू आजमगढ़ से, कुमारी जी वेदांजलि जी से, श्री गोरखनाथ मिश्रा एवं श्रीमती
बिंद्रावती मिश्रा जी, श्री गणेश प्रसाद सिंह जी, श्री अनिल यादव एवं श्रीमती उषा यादव जी, श्री महेंद्र मिश्रा जी एवं श्रीमती मिश्रा सह परिवार, श्री नगेंद्र सिंह जी एवं श्रीमती ममता सिंह जी, श्री एस के गुप्ता जी एवं श्रीमती सोनी गुप्ता जी गाजीपुर से, एवं श्री मधु सिंह जी चांदमारी से हैं, उनसे भी आग्रह कि वो कृपया आगे आएँ। आप सबका जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका धन्यवाद। आरती का गायन, सभा को विराम। आरती अति पावन पुराण की, 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 धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विदलित निगम कल्प कल, परमानंद सुधारसमय फल, आरती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलि मल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगव तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमार्थ ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति प्रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण दूर करे, हरि ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख
खलकानी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिला हूँ दया मैं किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक प्रभु मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा देवा तुझ को अर्पण प्रभु का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई घर गावे बड़े प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे हरि जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि सर्वे यजमानाः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्युः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना देहना कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तदपुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाभे पुण्यागजादिकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सबका सब विधि हो कल्याण सबका सब विधि हो कल्याण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री गंगा मैया की जय श्री काशीना काशी विश्वनाथ महादेव की जय पताए हर हर महादेव बोलिए ब्रह्म ज्ञान प्रदाता दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय श्री कृष्ण भगवान की जय सच्चे दरबार की जय जय श्री कृष्ण 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 जय